सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा एक की, जिसमें वर्णन है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, संहिता का नाम मतलब आईपीसी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है तो आपको पता है पहले नंबर पे यही बात होगी, क्योंकि आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले आईपीसी का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र यानी वो कहाँ कहाँ लागू होता है, यही जानकारियाँ मिलेंगी हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा था, तो वहाँ भी सबसे पहले चाहे वह अनुसूची की बात करें, अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें, तो वहाँ भी यही चीज़ का वर्णन था। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहां पर भारत की बात हो रही थी, तो यहां पर आईपीसी का है, तो आईपीसी की बात होगी सबसे पहले। जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आईपीसी की नोटबुक है, तो सबसे पहले आईपीसी अपना नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा दो की। तो धारा दो में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी अन्यथा नहीं, इस चीज का वर्णन है। मतलब ये समझिए कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन आईपीसी में है तो ही सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई नया अपराध आ जाता है तो आईपीसी में, जाहिर सी बात है नया अपराध है तो आईपीसी में वर्णित नहीं होगा तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए धारा दो की बात हो रही है, दो मतलब दूसरे की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई दूसरा अपराध है, कोई दूसरा अपराध जो कि आईपीसी में वर्णित नहीं है तो उसकी सजा नहीं मिलेगी, अगर कोई दूसरा अपराध नहीं है तो सजा मिलेगी। तो दूसरा हुआ धारा दो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा दो में किस चीज़ का वर्णन है, कि भारत के भीतर किए गए ऐसे अपराध जिनका आईपीसी में वर्णन है तो सजा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो आईपीसी था वो 1860 में आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता था, तो पैसे जो चोरी होते थे ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आईपीसी में जो था ये अपराध वर्णित नहीं था, तो अगर कोई उस टाइम पे क्राइम करता है तो आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे, कोई नया अपराध आता है तो उसको आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि आईपीसी में उसको जोड़ा ना जाए। साथ ही साथ कुछ अपवाद भी हैं कि जिनके ऊपर ना तो सिविल ना ही दीवानी मामला चलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के कोई भी ऐसे अधिकारी जो आईएफएस सेवा में हो, ठीक है, या फिर आईएफएस सेवा के सदस्य या दूसरे देश के राजदूत या राजनयिक या भारत के राजदूत या राजनयिक, ठीक है, साथ ही साथ विदेशी सेना, इनके ऊपर जो है ये चीजें लागू नहीं होती, मतलब आईपीसी के अनुसार इनको सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनवाया था, तो उनको जो है आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी गई थी, लेकिन यहां पर रह रहे थे तो जाहिर सी बात है भारत सजा तो नहीं दे पाया था, लेकिन जो नेशनल हाईवे 24 था उसमें पत्थर जरूर रखवाए थे, ठीक है, पत्थर डलवाए थे उसमें, लेकिन सजा नहीं दी जाती है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा तीन की। तो धारा तीन में भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का वर्णन है, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी अपराध है जो भारत की सीमा के बाहर किया गया है उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराध कहाँ किया गया है, भारत में ही किया गया है। ठीक है, यानी भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराध किया जाता है लेकिन माना यही जाता है कि वो अपराध भारत में किया गया है, और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तब भी उसको जो सजा है कैसे मिलेगी, आईपीसी के अनुसार मिलेगी। तो इसको याद करते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध को ये वर्णन है धारा तीन में। तो धारा तीन में तीन शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध, सीमा की बात हो रही है। तो आपको पता है सीमा यानी बाउंड्री लाइन कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, जल थल और वायु। ठीक है, तीन प्रकार की सीमाएं हो गई ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा तीन में किस चीज़ का वर्णन है, भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अपराध होते हैं भारत की सीमाओं के बाहर, तो उनको दंड किसके अंतर्गत मिलती है, हमेशा आईपीसी के अंतर्गत ही मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा चार की। तो धारा चार में वर्णन है भारतीय क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र। ठीक है, भारतीय राज्यातीत क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप, तो इसको राज्यातीत क्षेत्र क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी भारत का रजिस्टर्ड वायुयान है यानी हवाई जहाज है या फिर जलयान है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लीजिए किसी भी देश में वो जलयान चला गया है, तो अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी, आईपीसी के अनुसार दी जाएगी। तो यही राज्यातीत क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान अगर कोई भी दूसरे देश में है फिर भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र क्या है, भारत का राज्यातीत क्षेत्र है।
तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए वायुयान लिखा हुआ है। वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। आपको पता है हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता है। कैसे उड़ता है, फुर से, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवाई जहाज जो है वह फुर से उड़ता है, फुर फुर, क्योंकि चिड़िया भी उड़ती हैं, तो फुर फॉर फोर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा चार में किस चीज़ का वर्णन है, रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान के संबंध में, यानी राज्यातीत क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर अपराधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 5, जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है। कुछ अपवाद कैसे, जैसे मान लीजिए सेना के अधिकारी हैं तो उनको आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किनके अंतर्गत दी जाएगी फिर उनको सज़ा, उनको दी जाएगी सैनिक न्यायालय के अंतर्गत, या फिर सेना अधिनियम बोला जाता है, सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, तो उसी के अंतर्गत उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही जो विद्युत चोरी होती है, ठीक है, तो उनको भी आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाती है, वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उनको सज़ा मिलती है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको आईपीसी के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि 5 में शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइफ, ठीक है। और आपको पता है घर में वाइफ अगर कुछ भी करें तो वो एक मतलब कि अपवाद हो जाता है। अगर पुरुष करता है कुछ, अगर कोई भी मान लीजिए तोड़फोड़ कर देता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन अगर घर में कोई मतलब महिलाएं करती हैं या फिर कोई वाइफ करती हैं, तो उनके ऊपर वो अपवाद होता है, मतलब उनके ऊपर अब कोई शोर नहीं कर सकता या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता, तो एक अपवाद केस बन गया ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन, यानी धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, वाइफ फॉर 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से अध्याय 1 खत्म हो जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 5 ए जो है अलग से है। जैसे कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वैसे गिनती के अनुसार कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं ना, 4 का बढ़ जाता है, 9 का बढ़ जाता है और 14 का बढ़ जाता है, तो ये 3 बढ़ के 25 हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वैसे अध्याय जो है कितने हैं, 23 हैं, लेकिन 5 ए जो है अलग से हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 खत्म हो जाता है धारा 5 से और स्टार्ट होता है धारा 6 से अध्याय 2। मैं आपको बता दूं कि अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 52 तक के आते हैं और इनमें केवल और केवल परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें केवल परिभाषाओं की बात की जाएगी, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में वर्णन है कुछ उपबंधों का, जिसमें जैसे कि कब अपराध नहीं होगा इस चीज़ की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है किसी की नीम की दातून तोड़ लेता है, तो ठीक है, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये तुच्छ अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा समझिए कि ये अपराध नहीं होगा, अगर कोई भी मतलब रिपोर्ट लिखवाता भी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, यानी 6 शब्द। तो याद रखिएगा धारा 6 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ उपबंधों का। कौन से उपबंध का, यानी कब चीज़ें अपराध होंगी, कब चीज़ें अपराध नहीं होंगे, इस चीज की परिभाषा का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुलिंग की बात हो रही है, मतलब आईपीसी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि स्त्रीलिंग और पुलिंग एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग इनको नहीं माना जाता है। आईपीसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुलिंग को एक माना जाता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि लिंग में शब्द लिखा हुआ लिंक, लिंक समझ रहे ना, जैसे यूट्यूब से आप लिंक जनरेट करते हो, ठीक है, शेयर करने के लिए, तो लिंक का अगर आप सिंबल देखोगे ना, तो देखने में आपको 8 जैसा दिखेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, लिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है वचन का। वचन मतलब आईपीसी के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही हैं, मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया या फिर वह अपराधी है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि वहां पर जितने भी अपराधी हैं सबके लिए बोला गया है, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई भी अंतर आईपीसी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। तो वचन में एक शब्द लिखा हुआ वॉच, वॉच करना मतलब देखना होता है, देखते किसे हैं, आँखों से, और आँखों को नैन भी बोलते हैं, तो नैन में आपको 9 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 9 में, यानी धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, वचन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 10 की। तो धारा 10 में वर्णन है स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषा का, मतलब जो आईपीसी है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ स्त्री का क्या मतलब होता है, स्त्री का मतलब कानून के अंतर्गत किसी भी आयु की महिला की बात की जाएगी, ठीक है, मतलब चाहे वह 4 साल के हो, 10 साल या फिर 20 साल या 50 साल, स्त्री का मतलब किसी भी आयु की महिला, और साथ ही साथ पुरुष का मतलब भी होता है किसी भी आयु का पुरुष, वहाँ पे बच्चा बोलना जरूरी नहीं है, अगर पुरुष बोला गया है तो वह किसी भी आयु का हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है।
तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 10 को 10 बोलते हैं, 10 को कर लेते हैं ट्रेन, ठीक है। और स्त्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ट्रेन और स्त्री से संबंधित आपने एक चुटकुला सुना होगा कि मतलब जो स्त्रियाँ होती हैं वो तैयार होने में ज़्यादा समय लगाती हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि भारत की ट्रेन और यहाँ की महिलाएं यानी स्त्रियाँ जो हैं दोनों ही लेट हो जाती हैं कहीं जाती हैं तो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेन और स्त्रियों की चर्चा एक ही जैसे की जाती है। तो याद रखिएगा ट्रेन यानी 10 की बात हो रही है, तो धारा 10 में किस चीज़ का वर्णन है, स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषाओं का। मैंने आपको बता ही दिया, स्त्री मतलब किसी भी आयु की महिला और पुरुष मतलब किसी भी आयु का पुरुष, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई निकाय भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी या कारखाना भी हो सकता है। सब के सब व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो व्यक्ति को याद करना है तो ऐसा याद रखिए कि व्यक्ति की बात हो रही मतलब इंसान, तो ठीक है व्यक्ति को इंसान कर लेते हैं यहाँ पर, और 11 को कर लेते हैं 11, ठीक है। यारा मतलब दोस्त, तो जाहिर सी बात है इंसान के मतलब व्यक्ति ही व्यक्ति का यार बनता है, दोस्त बनता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यक्ति की परिभाषा का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 12 की, तो धारा 12 में लोक समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन है। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में वारा शब्द आपको मिल जाएगा ना, वर्ग वारा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन है, वर्ग का वर्णन है, और वर्ग देखते ही आप ऑप्शन क्लियर कर लोगे। तो याद रखिएगा धारा 12 में लोक समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे धारा 14 की, जिसमें सरकार के सेवक का वर्णन किया गया है, ठीक है। सरकार के सेवक कौन होंगे, जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर सेवक की बात हो रही है, सेवक को चेला भी बोलते हैं ना, तो चेला को चेरा, ठीक है, चेरा, चेरा फॉर 14 आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा धारा 14 में किस चीज़ का वर्णन है, सरकार के सेवक का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर देखिए 14 में फोर्ट शब्द लिखा हुआ है, फोर्ट मतलब किला, और आपको पता ही है किला किसी राजा महाराजा का होता है और वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 17 की, तो धारा 17 में सरकार की परिभाषा का वर्णन है। सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरकार की बात हो रही है और धारा 17 लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरकार या फिर सत्ता, सत्ता किसके हाथ में होती है, तो आप बोलेंगे सरकार के हाथ में होती है ना, पूरी की पूरी सत्ता सरकार के हाथ में होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे सत्ता से 17 और सरकार, तो याद रखिएगा धारा 17 में किस चीज़ का वर्णन है, सरकार की परिभाषा का, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 18 की, जिसमें भारत की परिभाषा है, ठीक है। तो भारत की परिभाषा मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या स्थिति है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर भारत याद कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा। तो भारत में एक शब्द लिखा हुआ है भार, भार मतलब वजन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वजन लाद दिया जाए, बहुत ज़्यादा भार रख दिया जाए, तो उसको वह हटाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर उसके ऊपर वजन रख दिया गया किसी के द्वारा, तो अब उसको वह हटा रहा है, हटा रहा है फॉर 18 आपको याद आ जाएगा, हटा रहा 18, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 19 की, जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा का वर्णन है। न्यायाधीश कौन होगा, जो कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध होगा, वही न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश जिसको जस्टिस भी बोलते हैं ना, तो जस्टिस में शब्द लिखा हुआ जस्ट आइस, आइस मतलब, ठीक है, यहाँ पर आइस शब्द से ही आप कवर कर लोगे 19, आइस 19, 19 में भी आइस शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि जस्टिस यानी न्यायाधीश की बात किसके अंतर्गत की गई है, धारा 19 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। अब न्यायाधीश की बात की गई है तो जाहिर सी बात है न्यायालय की भी बात की जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश न्यायालय में बैठेंगे। तो जस्ट 19 के बाद जो धारा 20 है उसमें न्यायालय की बात की गई है, तो आसानी से आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 21, जिसमें वर्णन है लोक सेवक के परिभाषा की। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर लोक सेवक यानी लोगों के सेवा करने वाला, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि आम आदमी की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उसका स्थान है लोगों की नज़र में एक ईश जैसा होगा, एक भगवान जैसा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि लोगों की सेवा कर रहा है इसलिए उसका स्थान एक ईश जैसा है, तो एक ईश फॉर 21। तो याद रखिएगा धारा 21 में किस चीज़ का वर्णन है, लोक सेवक की
परिभाषा का। साथ ही साथ एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन लोक सेवक होते हैं और कौन लोक सेवक नहीं होते हैं, तो कुछ पॉइंट वो भी हैं तो उनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जो सेना के आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, साथ ही साथ न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी या फिर लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र या लोक सुविधा से जुड़े हुए अधिकारी और होमगार्ड, ये सब लोक सेवक होते हैं। होमगार्ड के बारे में एक वाद था जो कि रमेश बालकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के संबंध में था, जिसमें बोला गया था कि होमगार्ड जो है वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ होमगार्ड से संबंधित जो सबसे लास्ट में एक वाद हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा परमेश्वर रहा था, तो वो था आपका बिपिन वर्सेस केरल सरकार, ये सबसे ज़्यादा मान्य था, ये भी होमगार्ड के बारे में था, तो बताया गया था कि होमगार्ड जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधायक लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। इसके संबंध में एक वाद था आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले, ठीक है। तो इस वाद में कहा गया था कोर्ट द्वारा कि विधायक जो हैं वो लोक सेवक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह राजकोष से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। अच्छा, तो सांसद लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो सांसद लोक सेवक होते हैं। सांसद यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। ऐसा बोला गया था एम करुणानिधि के मामले में कि ये लोक सेवक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कोतवाल हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए या फिर अध्यापक हो गए, वित्त इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हो गए, तो ये लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो ये लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी लोक सेवक होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान यानी सरपंच की बात होती है या फिर जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं ये लोक सेवक नहीं होते हैं। ये बोला गया था रमेश बालकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के वाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद करता है ना, तो फिर वह लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है, तो ऑप्शन में आपके सामने पुलिस होगा, सरकारी डॉक्टर होगा, अध्यापक होगा, और फिर दे दिया जाएगा कि जिला पंचायत का सदस्य। तो सही जवाब क्या होगा कि जिला पंचायत का जो सदस्य है वो लोक सेवक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 22 की। तो धारा 22 में वर्णन है जंगम संपत्ति की परिभाषा की। जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, चल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ऐसी संपत्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए धारा 22 में शब्द आपको मिल जाएगा भैंस, 22 भैंस। आपको पता है जो भैंस होती हैं वो भी एक संपत्ति की तरह ही होती हैं, है ना, लेकिन भैंस जो होती है वो एक प्रकार की जंगम संपत्ति भी है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो भैंस से आप याद कर सकते हैं कि भैंस एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा धारा 22 में किस चीज़ का वर्णन है, जंगम संपत्ति का यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का, याद रहेगा ना, बहुत ही फनी है इसलिए आपको ये नहीं भूलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जिसमें वर्णन है बेईमानी का, ठीक है। बेईमानी कैसी, जो कि दोषपूर्ण लाभ के लिए की गई हो। ये मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धारा 24 है उसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है, तो सही जवाब होगा बेईमानी की परिभाषा का, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि बेईमानी में शब्द लिखा हुआ है बाई और मानी, तो कर लेते हैं बाई माइनस, ठीक है, बेईमानी बाई माइनस, तो बाई में माइनस करना है। बाई जो है आपको पता है कि अगर अल्फ़ाबेट में स्थान देखें तो किस नंबर पर आता है, तो आप बोलेंगे 25 नंबर भी आता है, ठीक है, 26 में जेड आता है। अब माइनस की बात हो रही है कि बाई में माइनस करेंगे यानी 25 में माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए कोई अंक भी तो चाहिए, जीरो तो माइनस कर नहीं सकते, तो पहला अंक आएगा एक, तो बाई में एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 यानी 25 माइनस एक 24, तो आपको याद आ जाएगा कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है, बाई माइनस का यानी बेईमानी का, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं धारा 25 की। तो धारा 25 में वर्णन है कपट का, कपट मतलब धोखे के साथ जिसमें क्षति हुई हो, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि जो कपट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपटी बोलते हैं ना, कपट करने वाला कपटी, तो कपटी में शब्द लिखा हुआ लास्ट में पट्टी, पट्टी को कर लेते हैं पत्ती, पत्ती से आपको याद आ जाएगा 25, 25, 25। तो याद रखिएगा धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है, कपटी का, कपटी फॉर कपट का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे धारा 29 की, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसमें वर्णन है दस्तावेज की परिभाषा की। अच्छा, दस्तावेज क्या होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक चेक या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सभी सरकारी कागज जो कि किसी भी कार्य से संबंधित हों या फिर किसी भी कार्य में संलग्न किए जा सकें, वो सब क्या बोले जाते हैं, दस्तावेज बोले जाते हैं, ठीक है। तो याद करना आसान है क्योंकि दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ डस्टा, डस्ट की बात, डस्ट मतलब क्या होता है, धूल,
है ना, डस्ट होता है धूल, और धूल क्या होती है, उड़ती है, तो उड़ती फॉर 29, उड़ती 29। तो याद रखिएगा धारा 29 में किस चीज़ का वर्णन है, दस्तावेज का वर्णन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 33, जिसमें वर्णन है कार्य लोप का। कार्य लोप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य मान लीजिए किसी की जिम्मेदारी में दे दिया गया, अब वो उस कार्य को वैसा ना करे बल्कि उल्टे तरीके से करे। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई भी पुलिस है किसी भी मुजरिम को उसने पकड़ा और अब क्या कर रहा है, मुजरिम के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है वो मुजरिम ना हो लेकिन उसने अपने शक के हिसाब से पकड़ा, अब उसको लगा पीटने, तो ये गलत है, ये कार्य का लोप माना जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल पकड़ सकता है, पूछताछ कर सकता है, मारपीट नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो ये कार्य का लोप होगा। तो अगर कोई व्यक्ति कार्य का लोप करता है तो जाहिर सी बात है उसको डरने की ज़रूरत है। डरेगा मतलब थर थर कांपेगा अगर उसने कार्य लोप किया है, तो थर थर फॉर 33। तो याद रखिएगा धारा 33 यानी 33 में किस चीज का वर्णन है, कार्य लोप का वर्णन है। कार्य लोप मतलब जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उसने नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 में वर्णन है सामान्य आशय का। सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन, जैसे मान लीजिए कोई भी एक दोस्त है वो अपराध करने जा रहा है, उसी के साथ दूसरा दोस्त भी साथ उसके हो लिया, तो दोनों के कॉमन इंटेंशन हो गए। ठीक है, एक जैसे आशय हो गए, सामान्य आशय हो गए। तो सामान्य आशय से जुड़ा हुआ नॉर्मल जिंदगी में एक परिभाषा मैं आपको देता हूँ, वो है चींटियाँ। आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं उनके कॉमन इंटेंशन होते हैं, सामान्य आशय होते हैं, वो एक ही काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी मतलब कि बिल बनाना है तो वो क्या करती हैं, साथ ही साथ इकट्ठा मिलके वो काम को करती हैं। कहीं भी मान लीजिए शक्कर रखा हुआ है तो सभी एक एक शक्कर ले जाएंगी, एक लाइन से जाएंगी, कॉमन इंटेंशन होता है उनका। तो चींटी से आपको 34 याद आ जाएगा, चींटीस 34। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चींटी है कॉमन इंटेंशन का एक उदाहरण है। तो धारा 34 में किस चीज़ का वर्णन है, कॉमन इंटेंशन का यानी सामान्य आशय का। ठीक है, साथ ही साथ आपको दो चीज़ें समझना और ज़रूरी है जो कि धारा 34 से संबंधित वाद हैं। एक वाद था भूप सिंह वर्सेस पंजाब सरकार, जो कि 1977 का है। इसमें बोला गया था कि योजना घटना के दौरान भी बन सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि पहले से प्रिपेयर होके आए हो दोनों लोग। ठीक है, मतलब जो दोस्त साथ में है वो पहले से प्रिपेयर हो, घटना के दौरान भी योजना अगर बनती है तब भी सामान्य आशय माना जाएगा। एक केस था वारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924, इसमें बोला गया था कि आश्रय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध होता है या फिर कॉमन इंटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी दोस्त किसी को पीट रहा है, ठीक है, अंदर, और कोई दूसरा दोस्त जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है कि देख रहा है, और सामने जो है मतलब अंदर आश्रय जो है वो पूरा हो रहा है, मतलब पिटाई तो हो रही है, वो सामने देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, तो उसका भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 40 की, जिसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। अपराध क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो कानून या फिर विधि के संगत ना हो। ठीक है, जो कानून और विधि द्वारा मान्य ना हो वो सब अपराध हैं। तो अपराध से संबंधित 40 याद करना है, तो 40 में एक शब्द लिखा हुआ है फोड़ती। ऐसा समझिए कि किसी का कोई सर फोड़ रहा है या फिर कार का शीशा फोड़ रहा है, कुछ भी फोड़ रहा है, तो एक अपराध ही है। तो अपराध की परिभाषा में क्या आएगा, अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तब भी। तो ऐसे याद रखिएगा कि 40 में किस चीज़ का वर्णन है, अपराध की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 41 की, जिसमें वर्णन है विशेष विधि का। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ, जैसे कि आपको पता है बिजली चोरी से संबंधित बिजली अधिनियम एक अलग लॉ है। ठीक है, ऐसे ही रेलवे अधिनियम भी है, अगर रेलवे में बिना टिकट के आप चढ़ते हो तो उसके लिए भी एक अलग लॉ है। तो ये अलग है, आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं मिलती है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 41 में शब्द लिखा हुआ है एक ताली, एक ताली बजाना, और एक ताली किसके लिए बजती है, कोई अगर विशेष व्यक्ति आए तब। तो विशेष से आपको याद आ जाएगा विशेष विधि। तो याद रखिएगा धारा 41 में किस चीज़ का वर्णन है, विशेष विधि का, यानी विशेष अर्थात स्पेशल लॉ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है लाइफ का यानी जीवन का, जिंदगी का। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि 45 में 45 शब्द लिखा हुआ है, पिता, पिता और माता ही हमको ज़िंदगी देते हैं, हमको जीवन देते हैं, आपको ये चीज़ पता है। तो पिता फॉर 45, तो याद रखिएगा धारा 45 में किस चीज़ का वर्णन है, जिंदगी यानी जीवन का। इसके संबंध में एक बात भी कही गई थी एक वाद में, जो था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल
नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा है तो जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि उसके साथ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु का। ठीक है, मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु की परिभाषा की बात की गई है। तो मृत्यु से संबंधित आपने सुना होगा काल की काली छाया, बोलते हैं ना कि उसके ऊपर काली छाया मंडरा रही है, यानी उसके काल नज़दीक हैं। तो काली छाया, छाया फॉर 46, तो याद रखिएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्यु का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 49 की, जिसमें वर्णन है वर्ष, मास, इन सब चीज़ों की, मतलब साल और महीनों के बारे में। आपको पता होगा कि ये जो चीज़ गिनी जाती है आईपीसी के अंतर्गत, ये गिनी जाती है ग्रेगरियन कैलेंडर के अंतर्गत, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश कैलेंडर, उसी के अनुसार अदालत में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ष शब्द लिखा हुआ है। वर्ष को क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब कान भी तो होते हैं, और कान में ऊंचा भी सुनते हैं लोग, है ना, कान में ऊंचा भी सुनते हैं, तो ऊंचा फॉर 49। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 49 में किस चीज़ का वर्णन है, ईयर का वर्णन है। ईयर मतलब वर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको कि वर्ष और मास का वर्णन धारा 49 में किया गया है। ठीक है, ट्रिक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ फुल सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो अब हम लोग बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51 में वर्णन है शपथ का। शपथ के बारे में आपको पता होगा कि पहले कोर्ट में क्या होता था, कि गीता, कुरान, इन सब से शपथ दिलवाई जाती थी ना, कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हो गया कि शपथ अधिनियम 1973 के अंतर्गत गीता कुरान को ख़त्म कर दिया गया, मतलब अब इनमें शपथ नहीं दिलाई जाती, बल्कि एक शपथ पत्र सिग्नेचर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि 51 में शब्द लिखा हुआ है आचवन, ठीक है, या फिर 51, तो हवन शब्द आपको मिल जाएगा, तो आचवन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इन सब में शपथ लेते हैं ये, कि हम मतलब बुरे काम नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब चीज़ें शपथ से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 51 में किस चीज़ का वर्णन है, शपथ का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है कि आप शपथ में सिग्नेचर करते हैं, तो 51 में इंक आवन शब्द लिखा हुआ, यानी इंक आ गया है ना, पहले केवल हाथ रख के कसम कर खाते थे, लेकिन अब इंक का प्रयोग करते हैं, तो इंक फॉर 51। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 52 की, जिसमें वर्णन है सद्भावना के परिभाषा की। सद्भावना मतलब ध्यान व सतर्कता सहित, ठीक है, ऐसा समझिए, मतलब भावना तो अच्छी है, लेकिन ध्यान और सतर्कता भी उसमें होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुजरिम के ही सहायता कर रहे हों। साथ ही साथ धारा 52A में बोला गया है संशय की परिभाषा का। संशय मतलब अपने आश्रय में समझिए किसी भी अपराधी को कोई ले रहा है, साथ ही साथ उसको भोजन या फिर पेय पदार्थ, वस्त्र या फिर हथियार उपलब्ध करवा रहा है, तो इसके संबंध में भी बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन, 52 भवन, और अब यहाँ पर देखिए सद्भावना में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ, भावना, तो भावना को भवन कर लेते हैं, तो भवन से 52 क्लियर हो जाएगा ना ये। और संश्रय को कर लेते हैं आश्रय, क्योंकि यहाँ पर आश्रय की भी बात हो रही है, कि किसी को आश्रय देना, भोजन देना, पानी देना, ये सब चीज़ें, तो भवन में ही आश्रय देते हैं, तो भवन फॉर 52। तो ऐसे याद रखिएगा धारा 52 में सद्भावना की परिभाषा और धारा 52A में संश्रय की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 53, जिसमें बात की गई है दंड के प्रकार की। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 में शब्द लिखा हुआ है तड़पन, और आपको पता है अगर किसी को दंड दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो तड़पेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है, दंड के प्रकार का वर्णन है। ठीक है, अगर बात करें दंड की कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत्यु दंड, जिसके संबंध में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार द्वारा एक मामला हुआ था, जिसमें बोला गया था कि गंभीर से गंभीर आरोप पर ही या फिर गंभीर से गंभीर मामले पर ही मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है आजीवन कारावास, मतलब पूरी उम्र कारावास। तीसरा होता है कारावास, जिसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो साधारण कारावास होता है, और दूसरा होता है साश्रम, यानी मेहनत के साथ कारावास। अगर कारावास में है तो वहाँ पर उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और साधारण वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौथा जो होता है दंड का प्रकार, वो होता है संपत्ति का समापहरण, मतलब संपत्ति का जब्तीकरण। ठीक है, फिर पाँचवा जो होता है वो होता है जुर्माना या फिर अर्थदंड। तो ये 5 प्रकार होते हैं दंड के। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धारा 54, जिसमें वर्णन है मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड का लघुकरण मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है ना, तो उसके अंतर्गत वो चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा को कम कर सकते हैं। तो अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन है।
ठीक है, मैंने आपको सभी अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करवा दिए हैं, तो उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड का लघुकरण, मतलब मृत्युदंड को कम कर दिया जाए, अर्थात किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको कम कर दिया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृत्युदंड, उसके बाद आजीवन कारावास, फिर कारावास जो कि सश्रम और साधारण था, उसके बाद संपत्ति का समापहरण और जुर्माना अर्थदंड, ये पांचवा था। तो अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे यानी मृत्युदंड को कम करेंगे तो कितनी सजाएं बचेंगी, 4 बचेंगी। मतलब मृत्युदंड के लघुकरण में 5 में से 4 सजाएं दी जा सकती हैं। एक तो मृत्युदंड ही है तो पचवा हटा देंगे तो 5 में से 4 सजा दी जा सकती है अगर मृत्युदंड का लघुकरण करेंगे तो। तो 5 में से 4, तो 5 और 4 यानी 54। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 54 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्युदंड के लघुकरण का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज तक इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। वही हाल है कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 63 की। तो धारा 63 में वर्णन है जुर्माने की रकम की। इसके संबंध में बोला भी गया है कि जो जुर्माने की रकम है वो दोनों पक्षों को देख कर निर्धारित की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लग जाए और किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए, ठीक है। तो ये जुर्माने की जो रकम है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, दोनों पक्षों को देख कर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा ना हो कि गरीब के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग जाए और अमीर के ऊपर 5 रुपये का जुर्माना। तो यहाँ पर देखिए 63 में शब्द लिखा हुआ है तरस, यानी क्या होता है, गरीब लोग वैसे भी तरसते हैं और उनके ऊपर अगर ज़्यादा जुर्माना लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इस कारण से देख कर जुर्माना लगाया जाता है, यानी जुर्माने की रकम निर्धारित की जाती है दोनों पक्षों को देख कर। तो 63 फॉर 63, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 63 में किस चीज़ का वर्णन है, जो कि तरस रहे हैं पैसों के लिए, पैसा यानी जुर्माने की रकम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुर्माने की रकम का वर्णन किस में है, धारा 63 में। दूसरा तरीका भी है, 63 में शब्द लिखा हुआ टी शर्ट, यानी टी शर्ट पहनने के लिए पैसे नहीं है और जुर्माने की रकम ज़्यादा लग जाए किसी के ऊपर तो ये सही नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद धारा 64 में वर्णन है जुर्माना ना देने पर कारावास। तो इसको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने आपको याद करवा दिया जुर्माने की रकम, और आपको पता ही है कि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कारावास होगा ही, यानी सज़ा होगी ही। तो जस्ट 63 के बाद 64 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 71 की। इसमें वर्णन है कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, कई अपराधों से मिलकर बना एक अपराध। कई अपराधों से मिलकर मतलब सभी अपराध साथ में हो गए, उनमें से मिलकर एक अपराध बना हुआ है, तो साथ में है जिससे एक अपराध बना हुआ है, तो 7 और 1 यानी 7 और 1। तो याद रखिएगा धारा 71 में किस चीज़ का वर्णन है, कई अपराधों से मिलकर बने एक अपराध की, ठीक है। इसके बाद है धारा 72। जो धारा 72 है वो 71 की व्याख्या करते हैं, तो बहुत ही आसान है याद करना क्योंकि 72 में शब्द लिखा हुआ है बेहतर, अर्थात ये बेहतर बनाता है। किसको बनाता है, अपने ऊपर वाले को, यानी धारा 71 को। तो याद रखिएगा जो धारा 72 है उसमें 71 की व्याख्या की गई है, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाठी मारी हुई है किसी व्यक्ति को, तो उस 50 लाठी में से एक ही लाठी का अपराध माना जाएगा, ठीक है। यानी न्यूनतम कम से कम वाले को सज़ा दी जाएगी, जो कम से कम वाला जुर्म है, जब एक प्रकार के हों, अलग अलग प्रकार में नहीं, कि ऐसा समझे किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, डायरेक्ट जान से मार दिया और फिर क्या किया कि बाद में एक लाठी भी मार दिया, तो ऐसा नहीं कि एक लाठी वाली सजा मिलेगी, जान से मारने वाली नहीं मिलेगी। जब एक जैसे काम होंगे, एक जैसे जुर्म होंगे, तब एक की सजा मिलेगी, सबकी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 73 की, जिसमें वर्णन है एकांत परिरोध की। एकांत परिरोध जो होता है यह सबसे कठोर कारावास माना जाता है। एकांत परिरोध समझ रहे हैं ना, मतलब किसी व्यक्ति को एकांत कर दिया जाता है, सबसे अलग काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तो याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए 73 में शब्द लिखा हुआ है 7 और 3, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा शांति, 7 3 शांति, और एकांत, तो जाहिर सी बात है एकांत में शांति ही होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 73 में किस चीज़ का वर्णन है, एकांत परिरोध का। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि अगर जो एकांत परिरोध है वो कैसे दिया जाता है।
तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 महीने की सजा दी गई है ना, तो उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, 6 महीने में 1 माह का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर 6 महीने से 1 साल की सजा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और 1 साल से ज़्यादा की अगर सजा है तो उसको 3 माह का अधिकतम एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं इसके संबंध में कि एक बार में जो एकांत परिरोध है वो 14 दिन के लिए ही दिया जा सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता, और किसी भी 1 माह में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन एकांत परिरोध दिया जा सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज हो गए होंगे कि एक बार में एकांत परिरोध 14 दिन के लिए दिया जाता है जबकि माह में 7 दिन के लिए। तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को माह के 25 तारीख को एकांत परिरोध दिया गया, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 7 दिन हो गए, और दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया, तो दूसरे महीने में फिर 1 से 7 तारीख तक, ठीक है, एकांत परिरोध, तो ये 14 दिन हो जाएंगे, इससे अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 76 की, जिसमें वर्णन है तथ्यों की भूल का। ये जो तथ्यों की भूल है ये विधि द्वारा अबाध्य व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और एक है धारा 79, इसमें भी तथ्यों की भूल का वर्णन है लेकिन आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल का वर्णन इसमें है। पहला वाला जो है धारा 76, उसमें ऐसा समझिए कि कोई भी अगर सैनिक है, ठीक है, तो उसने अपने सीनियर के कहने पर भीड़ में गोलियां चला दी, तो विधि द्वारा बंधा हुआ है, उसको अपने सीनियर का कहना मानना ही है, इस कारण से उसने अपने तथ्यों की भूल की हुई है, ठीक है। उसने अपने सीनियर के कहने पर यह काम किया, या फिर कोई पुलिसकर्मी है उसको ऐसा लगा कि सामने वाला जो है वो किसी गुनाह से जुड़ा हुआ है तो उसने जेल में रखा, बाद में पता चला कि वो मतलब कि गुनाह से संबंधित नहीं था तो उसने उसको छोड़ दिया, तो एक तथ्यों की भूल है, इसके लिए उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। और आम नागरिक वाला ऐसा समझिए कि कोई मान लीजिए सामने घर के भूत बन के घूम रहा था डराने के लिए, ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसने एक डंडा उठाया और उसको पीट दिया, तो सामने वाला जो भूत बन के घूम रहा था वो वहीं पर ढेर हो गया, तो इसके लिए भी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये आम नागरिकों द्वारा तथ्यों की भूल है, दोनों को साथ में याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 76 में शब्द लिखा हुआ है साथ छोड़ना, ठीक है, साथ छोड़ना, और तथ्यों की भूल में भूल शब्द। तो ऐसा समझिए कि कोई भी दो व्यक्ति मेला गए, ठीक है, मेले में घूमने गए, तो मेले में घूमते समय क्या था कि एक व्यक्ति भुलक्कड़ था, वो जिसको साथ में ले गया था छोटे बच्चे को वहीं पे छोड़ आया, ठीक है, साथ में ले गया था छोड़ आया, क्यों, क्योंकि उसको चीज़ें भूल जाती हैं कि किसको ले गया किसको नहीं ले गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साथ छोड़ आया, फॉर 7 और 6, तो धारा 76 में किस चीज़ का वर्णन है, तथ्यों की भूल का, वो भी विधि द्वारा अबाध्य व्यक्तियों के लिए। फिर इसके बाद जो 79 है, तो जाहिर सी बात है अब मेले में किसी व्यक्ति को छोड़ आया तो अब साथ नहीं है, पहले साथ में थे अब साथ नहीं है, नहीं फॉर 9, 9 बोलते हैं ना, नहीं फॉर 9 यानी नहीं, तो साथ नहीं है, तो 7 और 9 यानी 79। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 76 और 79 में तथ्यों की भूल का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 80 की, जिसमें वर्णन है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का, यानी कोई भी व्यक्ति है जो कि विधि पूर्वक यानी कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है, ठीक है, फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ये क्षमा योग्य अपराध है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई कानूनी रूप से सही कार्य कर रहा है, मतलब अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा को अच्छी भी बोलते हैं, मतलब समझिए कि वो व्यक्ति जो है अच्छी काम कर रहा है, तो अच्छी फॉर 80। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 80 में किस चीज़ का वर्णन है, विधिपूर्वक कार्य करने में दुर्घटना का, ठीक है, यानी विधिपूर्वक कार्य कर रहा था अब दुर्घटना हो गई तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, ये क्षमा योग्य अपराध है, ठीक है। इसके बाद है धारा 82, जिसमें वर्णन है 7 वर्ष से कम के शिशु का अपराध जो कि क्षमा योग्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 7 वर्ष से कम का शिशु होता है उसका कोई भी आशय नहीं होता है अपराध करने का, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर उसने मार दिया, मान लीजिए उसके हाथ में चाकू था और गलती से उसने मार दिया, तो उसका कोई आशय नहीं था मारने का, गलती से हो गया, ठीक है, तो आशय नहीं है, तो आशय में बेआशी शब्द आपको मिल जाएगा, यानी बेआशय है, ठीक है, आशय नहीं है अर्थात बेआशय उसने काम किया है, तो बेआशय फॉर 82। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 82 में किस चीज़ का वर्णन है, 7 वर्ष से कम शिशु के अपराध का, क्योंकि जो 7 वर्ष से छोटे शिशु होते हैं उनका कोई भी आशय नहीं होता अपराध करने का, उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसके बाद है धारा 83, जिसमें वर्णन है 7 से 12 वर्ष के जो शिशु हैं उनके द्वारा किया गया अपराध, ये भी क्षमा योग्य होता है, लेकिन एक स्थिति होती है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो अपराध 7 से 12 वर्ष के शिशु ने किया है उस संबंध में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो अपराध है। मतलब मान लीजिए कोई भी चोरी करता है 7 से 12 वर्ष के बीच का शिशु, और चोरी करने के बाद उसको बाजार में जाके बेचता है, तो उसको पूरी जानकारी है, ठीक है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, तब ये क्षमा योग्य अपराध
होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने सिखाया होगा, छोटे बच्चे तो वैसे जानेंगे नहीं, तो किसी ने उसको सिखाया होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि तेरा उसने सीख लिया। क्या बोल सकते हैं? कि तेरा सीख लिया तभी उसको ये चीज़ आने लगा। बोलते हैं ना कि तुम्हारा उसने देखा होगा तभी वो अब ये काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि तेरा सीख लिया, तो 83 और 83, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 83 में किस चीज़ का वर्णन है? 7 से 12 वर्ष से कम शिशु के अपराध का। ठीक है, तो 7 से अगर 12 वर्ष से कम का शिशु है तो उसके द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य होगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि जो उसने किया है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 84 की, जिसमें वर्णन है विकृत चित्त का। विकृत चित्त मतलब वह अपने सही मानसिक स्थिति में नहीं है, मतलब या तो पागल है या तो मदोन्मत है। मदोन्मत मतलब नशे में है या फिर उन्मत्ता है। ठीक है, उन्मत्ता मतलब भी एक तरीके का पागलपन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 84 में शब्द लिखा हुआ चरसी। चरसी आपने सुना होगा, चरस से संबंधित, जो चरस लेते हैं उनको बोलते हैं चरसी है ये। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चरस लेता है जाहिर सी बात है एक तरीके से मदोन्मत है ना, मद है यानी नशे से भरा हुआ है, तो एक तरीके से पागल ही हो जाते हैं। तो 84 और 84 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 84 में किस चीज़ का वर्णन है? विकृत चित्त व्यक्तियों का, यानी पागल मदोन्मत और उन्मुक्ता वाले व्यक्तियों का। और इसी को मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको बोला जाता है आपका मैक नॉटन लॉ। मैक नॉटन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मैक नॉटन था, उनको मारने वाला एक व्यक्ति था जो कि पागल था। हालांकि उसने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनको ना लग के दूसरे व्यक्ति को लग गई थी गोली। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रकार का क्षमा योग्य अपराध होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 96 की। इसमें वर्णन है प्राइवेट प्रतिरक्षा की, यानी सेल्फ डिफेंस की। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा और 96 में शब्द लिखा हुआ है ना छू। नाउ छह ना छू, यानी सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मत छूना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गलत निगाहों से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति कि मुझे ना छू, ना छू फॉर नाउ छह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 96 में किस चीज़ का वर्णन है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यानी सेल्फ डिफेंस का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 100 की। इसमें वर्णन है निजी प्रतिरक्षा के संबंध में कब मृत्युकारित की जा सकती है। मृत्युकारित की जा सकती है मतलब क्या है? कि निजी प्रतिरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कब सामने वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है। तो उसके लिए 5 तरीके हैं। या तो मृत्यु होने की आशंका हो तब मारा जा सकता है, या बलात्संग मतलब बलात्कार की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब मारा जा सकता है, एसिड अटैक की स्थिति में मारा जा सकता है, या फिर अप्राकृतिक अपराध के संदर्भ में भी मारा जा सकता है, और एक होता है अपहरण या फिर व्यापहरण, तो इसके संबंध में भी मारा जा सकता है। तो ये 5 होते हैं निजी प्रतिरक्षा के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति मृत्युकारित करता है तो उसको सजा मिलने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 में शब्द लिखा हुआ है सेव। सेव मतलब सुरक्षित रखना खुद को, सेफ रखना खुद को। तो सेफ रखने के लिए अगर किसी को मार भी दिया गया तो गलत नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 100 में किस चीज़ का वर्णन है? खुद को सेफ रखने का, खुद को सेफ यानी सुरक्षित रखने का, यानी निजी प्रतिरक्षा के संबंध में सामने वाले की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और कैसी स्थिति में? तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 स्थितियाँ होने पर। ठीक है, धारा 121 जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, किसके विरुद्ध बात हो रही है वो बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध ऐसा समझिए कि एक पक्ष से एक आदमी आया, दूसरे पक्ष से एक आदमी आया। ठीक है, मतलब क्या होता है कि दो पक्ष के सिपाही हैं, तो समझिए कि एक सिपाही से एक सिपाही लड़ेगा। तो एक सिपाही सामने एक पक्ष से आया, दूसरे पक्ष से दूसरा सिपाही आया। जब दोनों आपस में आके मिल गए, लड़ने लगे, तो युद्ध शुरू हो गया, है ना। जब साइड साइड में खड़े हैं तब तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब दोनों एक एक तरफ से आके बीच में लड़ने लगे तो युद्ध होने लगा। तो एक एक थे साइड में, बीच में आके दो हो गए, तब युद्ध शुरू हो गया। तो 1-2-1, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 121 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का। ठीक है, और 121 का में युद्ध के प्रयत्न का वर्णन है। तो 121 आपको याद हो गया, तो 121 का आप खुद से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 122 की, जिसमें वर्णन है भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का। आयुध मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो एक प्रकार का हथियार बंदूक भी होता है। तो बंदूक में आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, 12 और 2, बारदूक। ठीक है, बंदूक 12 और 2,
बंदूक, बारादू, आप एक से दो बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बंदूक एक प्रकार का हथियार है, बंदूक में शब्द लिखा हुआ है 12 और 2, बंदूक, ठीक है। तो 12 और 2 यानी 122, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 122 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत सरकार के विरुद्ध आयुध का, ठीक है। अब है धारा 124 का, जिसमें वर्णन है राजद्रोह की परिभाषा का। आपको पता है जो आईपीसी है सन 1861 में आया था, उस टाइम पे राजतंत्र चल रहा था। आपको पता है इंग्लैंड का राजतंत्र चल रहा था, यहाँ पे इंग्लैंड का शासन चल रहा था, वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, इस कारण से यहाँ पर राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है। तो वैसे तो अगर बोलें कि राजद्रोह की जगह अब वर्तमान में वैसे देशद्रोह होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसको अपडेट नहीं किया गया, तो देशद्रोह राजद्रोह एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 124 का लिखा हुआ है। आपको पता है कि अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करेगा या फिर देश के खिलाफ द्रोह करेगा, तो उसको राजा क्या करेगा, बंदी बना लेगा, यानी चारों तरफ से उसको पैक कर देगा। यही बात है ना, अगर कोई राजा के खिलाफ द्रोह करता है, राजद्रोह करता है, तो बंदी बना लिया जाएगा चार दीवारी के बीच में। तो बंदी फॉर 12 दी, ठीक है, बंदी 12 दी, ठीक है, 12 हो जाएगा, और चार दीवारी के अंदर बंदी बना लिया जाएगा, तो 4, 12 और 4, 124। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 124 का में किस चीज़ का वर्णन है, राजद्रोह की परिभाषा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 130 की, जिसमें वर्णन है युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 130 में एक लिखा हुआ शब्द और फिर 30 लिखा हुआ है, 30 जिसको बोलते हैं 30, और 30 में शब्द मिल जाएगा धरती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना, यानी कोई भी युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच या फिर दो राजाओं के बीच पहले चलता था, ठीक है। तो अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो क्या है कि उसको बंदी बना लिया गया दूसरे पक्ष वाले सैनिक को, यानी अपनी धरती में रखा जाएगा। जिसको बंदी बना लिया जाएगा तो बंदी बनाने वाला राजा क्या करेगा, अपनी धरती में रखेगा। तो एक धरती से भगाने की बात हो रही है, मतलब अपने जितना राज्य क्षेत्र है उस वाली धरती से बाहर भगाने की बात हो रही है, ठीक है, किसको, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को। तो एक धरती से बाहर भगाने की बात, तो एक धरती फॉर 130। तो याद रखिएगा धारा 130 यानी 130 में किस चीज़ का वर्णन है, युद्धबंदी या फिर राजबंदी को भगाने में सहायता करना है, एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 141 की, इसमें वर्णन है विधि विरुद्ध जमाव की। विधि विरुद्ध जमाव मतलब क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना, ठीक है। लेकिन अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 5 से कम व्यक्ति होंगे, तो वो विधि विरुद्ध जमाव ना कहला के सामान्य आशय कहलाएगा, कॉमन इंटेंशन कहलाएगा, जिसको मैंने आपको याद करवाया था धारा 34 में। मैंने आपको बताया था कि जो चींटियाँ होती हैं उनका कॉमन इंटेंशन होता है, तो अगर 5 से कम लोग हैं तो कॉमन इंटेंशन, और 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, ठीक है। इसके संबंध में एक वाद भी था शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार सरकार के बीच, कि जो विधि विरुद्ध जमाव है वो बाद में भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि पहले 4 लोग हैं, लेकिन कहीं पर गए, उसके बाद वहाँ पर और दोस्त आ गए, 6 7 हो गए, तो वो एक विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो बाद में भी हो सकता है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है विधि विरुद्ध जमाव, यानी मैंने आपको बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो जाहिर सी बात है एक टोली हो जाएगा, है ना। जैसे कृष्ण भगवान की टोली हुआ करती थी, वैसे ही अगर ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो उनकी गिनती टोली में होने लगेगी, तो एक टोली बन जाएगा। तो अगर एक टोली कहीं जाएगी तो उसको विधि विरुद्ध जमाव बोला जाएगा, तो एक टोली फॉर 141। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 141 में किस चीज़ का वर्णन है, विधि विरुद्ध जमाव का वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की, इसमें वर्णन है बलवा का। बलवा में आपको बता दूं कि बलवा का अर्थ होता है बल का प्रयोग कानून के खिलाफ, ठीक है, कितने व्यक्तियों द्वारा, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। लेकिन अगर बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, जो कि धारा 141 में वर्णन है। और बल का प्रयोग करेंगे अगर कानून के खिलाफ तो बलवा कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बलवा में बालू शब्द लिखा हुआ है, बालू रेते को बोलते हैं, ठीक है, रेता। तो आपको पता है बालू का प्रयोग किस चीज में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है, एक छाया यानी एक घर बनाने के लिए, ठीक है। इंसान छत बनाता है जिससे कि छाया रहे, तो एक छाया बनाने के लिए भी बालू का प्रयोग किया जाता है। तो बालू फॉर बलवा और एक छाया फॉर 146। तो 146 यानी धारा 146 में किस चीज का वर्णन है दोस्तों, बलवा का वर्णन है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 159 की। तो इसमें वर्णन है दंगे के परिभाषा का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद है धारा 160, इसमें वर्णन है दंगे के दंड का। तो इसकी कोई खास ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर दंगे की बात हो रही है, और आपको पता है दंगे में काफ़ी ज़्यादा मार काट होती है, ठीक है। तो 159 में शब्द लिखा हुआ है एक पाव नहीं, यानी एक पाँव अब नहीं है, एक पैर अब नहीं है, क्योंकि दंगा होता है तो दंगे में लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब एक पाव नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 159 में दंगे का वर्णन है, और उसके बाद 160 में दंगे के दंड का वर्णन है, ठीक है। साथ ही साथ बलवा और दंगा के संबंध में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दंगा होता है वो सार्वजनिक स्थान पर होता है, और जो बलवा होता है वो प्राइवेट स्थान पर होता है, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दंगे में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, यह किसने कहा था, तो उसका सही जवाब होगा ब्लैक स्टोन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 171 ए से धारा 171 आई की, ठीक है। तो इनके बीच में बात की गई है निर्वाचन संबंधी अधिकारों का, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बात की जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की जाएगी, धारा 171 ए से धारा 171 आई के बीच में। चाहे वह धारा 171 बी की बात करें, निर्वाचन में रिश्वत की, ठीक है, या फिर चाहे धारा 171 ई की बात करें कि एक वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा अगर कोई निर्वाचन में रिश्वत देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है निर्वाचन संबंधी कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा, और ये अध्याय 9A के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसको याद करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन यानी चुनाव की बात हो रही है, और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि सत्ता में एक ही पार्टी आती है, यानी चुनाव हो गया, चुनाव की गिनती हो गई वोटिंग की, तो उसके बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सत्ता में एक ही पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन आएगी एक ही पार्टी, ठीक है। तो सत्ता में एक ही पार्टी आई आई जो कि आपको प्रदर्शित करेगा धारा 171 आई को, ठीक है। और सत्ता में एक ही पार्टी आई, तो 70 फॉर 17, और एक ही पार्टी तो 17 और 1। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 171 जिसमें वर्णन है किसका, निर्वाचन संबंधी अधिकार का, कहाँ तक, धारा 171 ए से लेकर मैंने बोला सत्ता में एक ही पार्टी आई, यानी धारा 171 आई तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जब भी निर्वाचन संबंधी कुछ भी पूछा जाए आईपीसी धारा से, तो ध्यान रखिएगा कि 171 ए से 171 आई के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 191 की। इसमें वर्णन है मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे साक्ष्य, झूठे सबूत देना। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि झूठे सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है झूठ बहुत दिन तो चलता नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी झूठा सबूत पेश कर रहा है तो वह पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है झूठ बोलेगा, तो उसको भी अब कानून सजा देगा। तो अब क्या कर रहा है, एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है, जैसा आपके की गलती हो गई। तो एक कान पकड़ के झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो एक कान फॉर एक और 91, ठीक है, 91 191। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 191 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या साक्ष्य देने का, क्योंकि किसी ने मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे साक्ष्य दिए, जब पकड़ा गया तो एक कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 211 की। इसमें वर्णन है मिथ्या आरोप की, मिथ्या आरोप मतलब होता है झूठा आरोप लगाना, ठीक है। तो झूठा आरोप, आरोप मतलब दोष होता है, तो दोष में आपको शब्द मिल जाएगा 200, दोष 200। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई भी जुर्म करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपराध करता है और खुद के बचने के लिए दूसरों को बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, झूठा आरोप लगा रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो क्या करेगा, जो भी लोग उसको मिलेंगे सभी से गाएगा, सभी से गा रहा है कि मैंने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए, तो दोषी बना रहा है और सबसे गा रहा है, ठीक है। तो दोषी फॉर 200 और गा रहा फॉर 11। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 211 में किस चीज़ का वर्णन है, मिथ्या आरोप का यानी झूठे आरोप का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 228 की। इसमें वर्णन है न्यायिक व्यक्ति के अपमान का। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है अपमान दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो अपने शब्दों से यानी अपनी आवाज़ से किसी को बुरा भला बोल के, और दूसरा किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाकर, यानी एक तो अपराध किया जा सकता है अपनी वॉइस से, अपनी आवाज़ से, तो वॉइस फॉर 22, और या तो अपने हाथ से, तो हाथ फॉर 8, तो 22 और 8 यानी 228। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 228 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक व्यक्ति के अपमान का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट धारा 292 की। इसमें वर्णन है अश्लील पुस्तकों के विक्रय की, ठीक है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए पुस्तकों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 292, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अश्लील जो पुस्तकें हैं उनको बैन कर देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि कर दो बैन, क्या कर दो, बैन कर दो, ठीक है। तो कर दो बैन, तो दो और बैन फॉर 292। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 292 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील पुस्तकों के विक्रय का, यानी इनको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो फर्स्ट बार अगर पकड़ा गया तो 2 वर्ष की सज़ा प्लस 2,000 जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 5 साल की सज़ा प्लस 5,000 जुर्माना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 294 की। इसमें वर्णन है अश्लील गाने गाना, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको 3 महीने की कैद प्लस जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि अगर कोई भी अश्लील गाने गाता है तो अगर सामने वाला सही है तो यही बोलेगा कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कि नाच जाए, बोलेगा ना कि उसको ऐसे थप्पड़ दो कान के नीचे कि वो नाच जाए। तो थप्पड़ दो कि नाच जाए, तो दो और नाच, नाच में शब्द लिखा हुआ 9 और 4, तो 2 9 4 यानी धारा 294। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 294 में किस चीज़ का वर्णन है, अश्लील गाने गाने का, ठीक है, जो कि एक आपराधिक कार्य है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी दोस्त ने एक वीडियो में पूछा था कि सर जैसे महिलाओं को विवाह के लिए बाध्य करना कानूनी अपराध होता है या फिर महिलाओं को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध होता है, तो क्या पुरुषों को विवाह के लिए बाध्य करना भी कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना क्या कानूनी अपराध है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो उसमें मैंने आपको धारा 8 में बताया था कि कानून के नज़रों में पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं है। तो अगर महिलाओं के संबंध में कानूनी अपराध है तो पुरुषों के संबंध में भी वो चीज़ कानूनी अपराध में आएगी, यानी पुरुषों को भी विवाह के लिए बाध्य करना एक कानूनी अपराध है, पुरुषों को भी प्रताड़ित करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और सेम सज़ा ही दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 299 की। इसमें वर्णन है आपराधिक मानव वध की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर वध की बात हो रही है, और वध जब आपने सुना होगा तो हमेशा दानव से संबंधित ही सुना होगा, यानी राक्षसों से संबंधित। श्री राम जब कहाँ गए थे, वन गए थे, तब उन्होंने बहुत सारे दानवों का वध किया था, जैसे ताड़का वध, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वध आपने दानव से संबंधित सुनी होगी, दानव मतलब राक्षस होते हैं। तो दानव में आपको शब्द मिल जाएगा 2 नव, तो 2 लिख लो और 2 बार 9 लिख लीजिए, ठीक है। 2 नव, दानव 2 नव, 2 लिख लिया और 2 बार 9 भी लिख लिया, तो 299 होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 299 में किस चीज़ का वर्णन है, आपराधिक मानव वध का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 300 की। इसमें वर्णन है हत्या के परिभाषा की। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर हत्या के परिभाषा की बात हो रही है, और 300 में शब्द लिखा हुआ है तीर और शव। ऐसा समझे कि किसी व्यक्ति ने तीर मारा और उसके सामने एक शव पड़ा हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है तीर मारेगा तो उसका अंत हो जाएगा, तो शव में बदल जाएगा। तो तीर और शव फॉर 300, ठीक है। तो ये हत्या हो गई। अब हत्या और वध में मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। आपको ये तो याद हो गया कि 300 में हत्या की परिभाषा की बात की गई है क्योंकि तीर मारा तो हत्या हो गई, तो ये हत्या की परिभाषा कहलाएगा। तो हत्या वह होती है जिसमें डायरेक्ट मारा जाए, ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मारा गया तो वध कहलाता है। जैसे आपको पता है कि दशरथ ने जानवर समझ के मारा था, तीर लग गई थी श्रवण कुमार के, ठीक है, तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो वध कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट मारा तो हत्या, इनडायरेक्ट मारा तो वध। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि कब वध हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो अचानक लड़ाई अगर होती है तब मृत्यु हो जाती है तो वध कहलाएगा, हत्या नहीं, ठीक है। सहमति द्वारा अगर मृत्यु होती है तब भी वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं। जैसे मान लीजिए दो बॉक्सर थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब उनका काम ही है लड़ना, गलती से किसी ने एक हूसा जम के मार दिया तो सामने वाला लुढ़क गया, ठीक है, तो वो वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए शिशु द्वारा या फिर मदोन्नत मतलब नशे में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो वो भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। अचानक प्रकोपन या फिर निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति ने मार दिया तो ये भी वध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कब वध कहलाता है और कब हत्या कहलाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 302 की, जिसमें वर्णन है हत्या के दंड की। हत्या की जो परिभाषा का वर्णन था वो धारा 300 में था, और हत्या के दंड का जो वर्णन है वो 302 में है। तो 302 को ट्रिक से बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आपने सुना ही होगा कि दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें सुनते रहते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला है वो है धारा 304 खा।
जिसमें वर्णन है दहेज मृत्यु का, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दहेज में शब्द लिखा हुआ है दही, दही समझते हैं ना, मट्ठे वाली दही की बात हो रही है। तो जो दही है वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, जब दही गोकुल से मथुरा जाता था कंस के यहाँ, क्योंकि राजा था तो उसके यहाँ पूरी चीज़ें जाती थी, सभी लेके जाती थी वहाँ से महिलाएं, तो क्या करते थे कृष्ण भगवान की ट्री के ऊपर चढ़े रहते थे अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ, और ट्री के ऊपर चढ़े चढ़े ही मटके के ऊपर मटके रखे रहते थे दही के, ठीक है। तो ऊपर वाले मटके जितने भी होते थे वो निकाल लिया करते थे ट्री के ऊपर से ही, ठीक है। तो ट्री के ऊपर से मटके चोरी कर लेते थे, मटके का आकार 0 की तरह दिखेगा, ट्री फॉर 3 और चोरी फॉर 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 304 में किस चीज का वर्णन है, दही फॉर दहेज मृत्यु का। और खा याद करना है तो आपको पता है दही, कृष्ण भगवान दही की मटकी ले लेते थे तो उसको क्या करते थे, खा लेते थे। तो खा लेने से खा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 304 खा में किस चीज का वर्णन है, दहेज मृत्यु का वर्णन है। दहेज मृत्यु के संबंध में आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि अगर विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, यानी 7 वर्ष के अगर बाद ऐसा कुछ होता है तो दहेज मृत्यु में नहीं आएगा, 7 वर्ष के अंदर ही ये दहेज मृत्यु में गिना जाएगा, ठीक है। और इसकी सज़ा क्या होती है, तो 7 वर्ष कैद और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसकी सज़ा मिलती है, तो इस चीज़ को भी आप साथ में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 309 की, इसमें वर्णन है आत्महत्या के प्रयत्न का, ठीक है। आत्महत्या के अगर कोई भी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो उसको भी सज़ा मिलती है। तो इसको याद करना है तो इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा धरती पर रहने की नहीं है, है ना। धरती पर वो नहीं रहना चाहता तभी तो आत्महत्या कर रहा है। तो 30 for 30 और नहीं फॉर 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30 यानी 9, 309 अर्थात धारा 309 में किस चीज़ का वर्णन है, आत्महत्या के प्रयत्न का वर्णन है, ठीक है, याद रहेगा ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब 1 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके संबंध में एक वाद हुआ था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में, उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 312 की, तो इसमें वर्णन है गर्भपात करने की, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गर्भपात की स्थिति कब बनती है, जब गर्भ में बच्ची होती हैं, ठीक है, यानी लड़कियां जब होती हैं तब। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बच्चियां देवी का अवतार होती हैं, तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा, है ना, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा। तो तीनों लोकों में 3 शब्द आ जाएगा और 12 for 12 यानी 312। तो याद रखिएगा धारा 312 में किस चीज़ का वर्णन है, गर्भपात करने का, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर जीवन बचाना जरूरी हो तब अपराध नहीं होता है, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो इसमें सज़ा मिलती है 3 साल की, 3 साल कैद मिलती है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 326 का की, जिसमें वर्णन है तेजाब फेंकने का। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेजाब फेंकने की बात हो रही है, तो अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका जाए तो जाहिर सी बात है वो जल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 326 में 32 और 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी बत्ती है उसको अगर छू दिया जाए, बत्ती को छू दिया जाए, तो जाहिर सी बात है जल जाएंगे, कैसे, जैसे तेजाब में जलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 326 में किस चीज़ का वर्णन है, तेजाब फेंकने का। और का को याद करना है तो का की जगह ए भी लिख सकते हैं, कि 326 ए में वर्णन है, ठीक है। तो ए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बत्ती छुएगा और जलेगा तो आ की आवाज़ जरूर निकलेगी, तो आ फॉर ए, ठीक है। और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो 10 साल तक की कैद और पीड़िता को उपचार कराने के खर्च देने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 की, जिसमें वर्णन है स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्त्रियों का विवाह होता है, जैसे ही वो पति के घर जाती हैं तो क्या करती हैं, अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, है ना, मतलब घूंघट डाल कर रखती हैं, कि लज्जा के कारण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पति के घर जाती हैं तो लज्जा के कारण अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं घूंघट में, तो 30 for 35 और चेहरा 4, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 में किस चीज़ का वर्णन है, लज्जा फॉर स्त्री लज्जा भंग का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो 1 से 5 साल तक की सज़ा मिलती है इसमें।
अब बात कर लेते हैं धारा 354 ए की। इसमें वर्णन है यौन उत्पीड़न की। तो यौन उत्पीड़न को याद करने के लिए कर लेते हैं यान। यान मतलब क्या होता है? एरोप्लेन यानी विमान, और उत्पीड़न में पीड़न शब्द लिखा मतलब पीड़ा पहुंचाना। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यान को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि अगर यान को पीड़ा पहुंचाना पड़ेगा तो बाकी तो लोहे लगे होते हैं, तो वैसे तो पीड़ा पहुंच नहीं सकती, लेकिन नीचे टायर होता है। अगर टायर कोई पंचर कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो पीड़ित हो जाएगा, एक तरीके से वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि यान में जो तीनों टायर होते हैं, तीनों टायर उनको पंचर कर दे अगर कोई व्यक्ति, तो कह सकते हैं कि उसने यान को पीड़ा पहुंचाई है। तो 3 × 3 और पंचर फॉर 5 × 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 में किस चीज़ का वर्णन है? यौन उत्पीड़न का। ए भी याद रखना है क्योंकि 354 ए है, तो ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब यान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 ए में यौन उत्पीड़न का वर्णन है और 354 में स्त्री लज्जा भंग का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है धारा 354 बी। इसमें वर्णन है स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितनी जगह स्त्री शब्द लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पुरुष शब्द भी हो सकता है, क्योंकि कानून की नज़रों में स्त्री और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 और 4 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 35 फॉर पत्ती, पत्ती आपको पता है ना, ब्लेड की बात हो रही है, और 4 को कर लेते हैं चीर। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने कपड़ा पहन रखा है तो पत्ती से अगर उसको चीर दें तो जाहिर सी बात है वो निर्वस्त्र हो जाएगा, है ना, उसकी बॉडी दिखने लगेगी। और बॉडी जो है 20 से स्टार्ट होता है, तो पत्ती से चीरना, पत्ती फॉर 35, चीरना फॉर 4, और बॉडी दिखने लगेगी, बॉडी का बी, तो 354 बी। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, और इसमें सज़ा कितनी मिलती है? तो मिलती है 3 से 7 साल तक की कैद, अगर कोई भी ऐसा करने का काम करता है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 सी की। इसमें वर्णन है छिप कर देखने की। ठीक है, रति क्रिया से संबंधित, अगर कोई भी छिप कर देखता है तो एक जुर्म है, इसमें 1 से 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको का खा जितने भी बताए होंगे तो इससे ऊपर नहीं बताए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सा बता रहा हूँ, सा मतलब सी, का खा गा हिंदी में बोलते हैं, वैसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी पहली बार आ रहा है, इससे पहले हम लोगों ने खा जरूर याद किया था धारा 304 खा को, जिसमें मैंने दहेज मृत्यु आपको बताया था। तो सी पहली बार आ रहा है, तो अगर आप सी से संबंधित कोई भी ऑप्शन देखें ना तो क्लियर कर लीजिएगा सी मतलब देखना होता है। तो देखने से संबंधित छिप कर देखने का वर्णन किस में है? सी वाले में, अर्थात 354 सी में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और इसमें सजा मिलती है 1 से 3 साल तक की कैद का। फिर इसके बाद बात करते हैं धारा 354 डी की। इसमें वर्णन है स्त्री के पीछा करने का। ठीक है, तो डी भी पहली बार आ रहा है जैसे सी पहली बार आया, बाकी आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए 354 डी, डी फॉर होता है डॉग, और आपको पता है डॉग किसी का पालतू हो तो ज़्यादातर पीछा करके उसके साथ जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 354 डी में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री के पीछा करने का। और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 354 सी की बात हो रही है, सी मतलब देखना, और यहाँ पर 35 को कर लेते हैं पति और 4 को चोर। ठीक है, तो पति घर में नहीं है तो चोर घुस आया घर में, तो जाहिर सी बात है अब वो देख रहा है कि सामने वाला सो जाए, जो भी महिला है, उसके बाद वो अपना हाथ साफ करके निकल ले। तो पति घर में नहीं है तो चोर अंदर आ गया और देख रहा है, यानी सी कर रहा है कि सामने वाला सो जाए तब हो जाए। तो पति और चोर, 35 और 4 यानी 354, और सी फॉर देखना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 सी में छिप कर देखने का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है 354 डी, मैंने बताया, तो 354 डी में वर्णन है स्त्री का पीछा करना। तो अगर पीछा करने की बात हो, नॉर्मली लोग पीछा किससे करना पसंद करेंगे? वाहन से। ठीक है, यानी अपने व्हीकल से पसंद करेंगे पीछा करना, कोई दौड़ के तो पीछा करेगा नहीं धूप में या फिर किसी भी स्थिति में। तो अगर कोई भी पीछा कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर उसका ट्यूब पंचर कर दिया जाए तो वो पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछा करना गलत बात है। ठीक है, तो अगर उसका ट्यूब पंचर कर दें तो पीछा नहीं कर पाएगा, किसकी तरह? डॉग की तरह, क्योंकि डॉग पीछा करते हैं। तो ट्यूब पंचर फॉर, ट्यूब फॉर 3, ठीक है, और पंचर फॉर 5 4। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 डी में स्त्री के पीछे करने का वर्णन है, और इसमें सजा कितनी है? तो 3 वर्ष की कैद का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 359 की। इसमें वर्णन है व्यापहरण की। व्यापहरण मतलब होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का अर्थ समझिए कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाएं, चाहे वह विकृत चित्त व्यक्ति हो, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, और लड़के की उम्र अगर 16 है, ठीक है, और लड़की की उम्र अगर 18 है, अगर इससे कम है तो ही माना जाएगा कि किडनैपिंग हुई है। वो भी कैसे? बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए, बलपूर्वक ले जाएगा जाएगा, तब वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगी, यानी व्यापहरण नहीं कहलाएगा, तब वो अपहरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको याद करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि
यहाँ पर देखिए व्यापहरण में शब्द लिखा हुआ है व्यापार और हरण, यानी व्यापार के लिए हरण। अब व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता, है ना। व्यापार में या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता, अर्थात लॉस होता है। तो प्रॉफिट फॉर 35, प्रॉफिट 35 और नहीं होता फॉर 9। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर देखिए या तो प्रॉफिट होता है या नहीं होता, प्रॉफिट फॉर 35 और नहीं फॉर 9। तो 35 और 9 यानी 359। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 359 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यापहरण का वर्णन है। ठीक है, और व्यापहरण मतलब किडनैपिंग होता है, और मैंने आपको बता दिया किडनैपिंग तब माना जाएगा जब लड़की की उम्र 18 से कम हो और लड़के की उम्र 16 से कम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए तो वह व्यापहरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 361 की। तो इसमें वर्णन है संरक्षण में से व्यापहरण की, मतलब संरक्षण में से किडनैपिंग की। तो इसको याद करने के संबंध में मुझे एक चीज़ याद आती है कि संरक्षण में सीता माता थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी रावण के द्वारा। ठीक है, तो रावण तब तक ट्री के पीछे से एकटक सीता को देख रहा था, कब तक, जब तक कि राम और लक्ष्मण वहाँ से दूर नहीं चले गए थे, है ना। रावण ट्री के पीछे से तब तक सीता माता को एकटक देख रहा था जब तक कि राम लक्ष्मण कुटिया से दूर नहीं चले गए थे, उसके बाद वो किडनैपिंग करके ले गया था। तो ट्री के पीछे से एकटक देख रहा था, तो ट्री फॉर 3 और एकटक फॉर 61। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 361 में किस चीज़ का वर्णन है, संरक्षण में से व्यापहरण का। याद रहेगा ना, आसान है याद करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 362 की। तो इसमें वर्णन है अपहरण के परिभाषा की। इससे पहले मैंने धारा 359 बताया, उसमें मैंने आपको व्यापहरण बताया मतलब किडनैपिंग बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग कहलाता है। ठीक है, यानी व्यापहरण कहलाता है। अपहरण का मतलब क्या है कि अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाया जाए तो वो कहलाता है अपहरण। ठीक है, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति की उम्र को ले जाया जाए तो वो अपहरण है। और उसमें मैंने उम्र की सीमा आपको बताई थी कि लड़का 16 साल से कम का हो और लड़की 18 साल से कम की हो। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसको अगर बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाते हैं। तो अपहरण मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, वो भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जैसे क्या करते हैं आतंकवादी लोग हो गए, वो लोग यात्री से भरी बस को अपहरण कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारे सीरियल में, कि यात्री से भरी जो बस होती है उसको पूरा का पूरा अपहरण कर लेते हैं। तो यात्री में आपको पता मिल जाएगा शब्द त्री। ठीक है, त्री फॉर 3 और बस फॉर 62 यानी 362। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अपहरण की परिभाषा किस धारा में वर्णित है, धारा 362 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 366 की। तो इसमें वर्णन है विवाह के लिए अपहरण, मतलब जबरदस्ती किसी को विवाह के लिए ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 366 में एक शब्द लिखा हुआ है 3 और 66 में शब्द लिखा हुआ है 6 6। तो ऐसा समझिए कि अगर किसी को जबरदस्ती ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको खींच के ले जाएंगे। खींचने का मतलब तीनना भी होता है, कि अगर उसका हाथ पकड़ के यानी तीन के ले जाएंगे उसको जबरदस्ती, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्या बोलेगा, छोरो छोरो। ठीक है, तो तीन के ले जा रहे हैं तब बोला है छोरो छोरो। तो 3 और छोरो छोरो फॉर 6 6। तो 366 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाह के लिए अपहरण का। ठीक है, और इसमें सजा जो है कितनी मिलती है, तो वह मिलती है 10 साल तक की कैद अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 375 की, जिसमें बलात्संग के परिभाषा का वर्णन है। उसके बाद है धारा 376, जिसमें बलात्संग के दंड की बात की गई है। तो 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, यानी 10 साल का कैद या फिर आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल। तो यहाँ पर उसके बाद है धारा 376 डी, जिसमें सामूहिक बलात्कार का वर्णन है, उसकी सज़ा होती है आजीवन कारावास। तो कुल मिलाकर ऐसा समझे कि 375 और 376 में बलात्संग यानी बलात्कार से संबंधित धाराएँ हैं, और ये जो धाराएँ होती हैं ये बाल विवाह में भी यही लगती हैं। ठीक है, अगर किसी का बाल विवाह करवाया जाता है तो यही धाराएँ लगाई जाती हैं। तो सिंपल से अगर बाल विवाह को याद कर लेंगे तो ये सभी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप उसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो बाल विवाह के संबंध में धारा 375 और धारा 376 को याद करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी का विवाह जो है टीनेज में हो गया, छोटेपन में हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी से विवाह करे, ठीक है, या फिर उसी से विवाह करने में वो सहमत हो। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यही होता है कि जो टीनेज में विवाह हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं लोग। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं उस विवाह से और उस विवाह का साथ छोड़ देते हैं,
या तो उससे मतलब पीछे हट जाते हैं उस विवाह से टीनेज के बच्चे, या फिर वो साथ छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला पीछे हट जाते हैं, तो पीछे फॉर 75, टीनेज के बच्चे तो 3 फॉर 3, तो टीनेज के बच्चे जो पीछे हट जाते हैं तो 375 हो गया। और मैंने बोला कि पीछे हटने के बाद वो क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तो साथ छोड़ने में 7 और 6। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 375 और धारा 376 में किस चीज़ का वर्णन है, बाल विवाह का, ठीक है। और उसके संबंध में ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि बलात्संग की परिभाषा का भी वर्णन है, और जितने भी बलात्संग से संबंधित अपराध हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे बलात्संग का दंड हो, या फिर बलात्संग में मृत्यु हो, या फिर सामूहिक बलात्कार हो। तो इसके संबंध में धारा 375 और धारा 376 ही है, और इसी से संबंधित बाल विवाह भी है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 378 की। तो इसमें वर्णन है चोरी के बारे में, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए चोरी शब्द लिखा हुआ है। चोरी आपको पता है चोर करते हैं, यानी हाथ साफ करना भी बोलते हैं ना, कि चोर जो है वो हाथ साफ करके चला गया। तो आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर चोरी कब होती है, जब इंसान सोते रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम सोती तब चोर हाथ साफ करती, ठीक है। जब हम सब सोती तो चोर हाथ साफ करती, तो सोती फॉर 37, सोती हाथ साफ करती, मैंने बोला था हाथ फॉर 8, सोती और 8 यानी 3 7 8, अर्थात धारा 378। तो जब हम सोते हैं तो चोर हाथ साफ करता है, तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करता है। तो धारा 378 में किस चीज़ का वर्णन है, चोरी का वर्णन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हमारे सामने अगला है धारा 379, इसमें वर्णन है चोरी के दंड का, ठीक है। तो आपको पता है चोरी 378 में है, तो जस्ट उसके बाद चोरी के दंड की बात की गई है। चोरी की जो दंड मिलती है यानी सज़ा कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं धारा 390 की। तो इसमें वर्णन है लूट का, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लूट वो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हो, ठीक है। 4 लोग से अगर ज़्यादा हो गए तो फिर लूट नहीं कहलाएगी, बल्कि वो डकैती कहलाएगी। तो 4 लोग अगर हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो लूट की श्रेणी में आता है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि लूट शब्द खुद ही बोल रहा है कि मैं धारा 390 में वर्णित हूँ। कैसे, तो देखिए जो लूट का ला है कैसा दिखता है, 3 की तरह। ऊ की मात्रा जो लगी हुई है वो कैसे दिखती है, तो आप बोलेंगे 9 की तरह। तो 3 और 9 तो मिल गए। फिर उसके बाद टा शब्द लिखा हुआ है, टा को अगर थोड़ा सा जोड़ दें, ठा जैसा कर दें, तो कैसा दिखेगा, 0, जो कि लटक रहा है। तो कितना हो गया, 390, यानी लूट का वर्णन किसमें है, 390 अर्थात 390 में, ठीक है। आसान है ना, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डकैती के बारे में। तो डकैती जो है वह धारा 391 में वर्णित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे लूट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा लोग हो गए, 5 या 5 से अधिक, तो वो डकैती में आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है डकैती मतलब डाकुओं की बात हो रही है, और डाकू ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्री हों, पेड़ पौधे हों, ठीक है, झाड़ियाँ हों, वहाँ पर डाकू लोग एक कोने में निवास करते हैं, सबके बीच में नहीं रहते। तो ट्री के पास छुपे होते हैं एक कोने में, तो 343 और एक कोने फॉर 91। तो 391 में किस चीज़ का वर्णन है, डकैती का वर्णन है, ठीक है। और साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 392 में लूट के दंड का वर्णन है, ठीक है। लूट की परिभाषा 390, जबकि लूट का जो दंड है किसमें वर्णित है, 392 में, 91 के बाद, ठीक है। आपको बता दूं कि सज़ा कितनी होती है, तो वो होती है 10 साल कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। और अगर कोई भी नेशनल हाईवे में रात में लूट करता है, तो 14 साल का कैद और प्लस जुर्माना, ठीक है। और जो डकैती का दंड है ना, वो धारा 395 में वर्णित है, और इसकी जो सज़ा होती है वो होती है आजीवन कारावास। तो इस चीज़ को आप खुद से याद रखिएगा। मैंने आपको लूट की परिभाषा किसमें वर्णित है वो बता दिया, डकैती की परिभाषा किसमें वर्णित है वो बता दिया, और दंड 392 और 395 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 401 की। इसमें वर्णन है चोरों की टोली में से होना, ठीक है। तो चोरों की टोली में से होने पर क्या दंड होता है, 7 साल की कैद होती है। तो चोरों की टोली में से होना मतलब क्या, कि चोरों की टोली में से एक होना, यही ना, एक की बात हो रही है कि चोरों की टोली में से अगर कोई है तो उसको ये सज़ा मिलेगी, 7 साल की कैद। तो चोरों की टोली में से एक होना, तो चोरों पर 4 और वो दिखता है 0 की तरह, मैंने बोला चोरों की टोली में से एक होना, तो 401। तो धारा 401 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों, चोरों की टोली में से एक होने का दंड, ठीक है। अब आपको पता है कि चोर जो होते हैं डाकू से कम खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो डाकू जो है चोर से ऊपर आएंगे, क्योंकि डाकू ज़्यादा खतरनाक होते हैं चोरों से। तो डाकू जो है चोर के ऊपर आएंगे, यानी 401 में चोर हैं तो 400 में डाकू आएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, और इसकी सज़ा होती है 10 साल की कैद।
अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 494 और 95 की, ठीक है। तो 494 में वर्णन है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का, तो इसका दंड क्या होता है, तो 7 साल की कैद होती है और जुर्माना होता है, ठीक है। 495 में वर्णन है दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाना, तो इसकी जो सज़ा होती है वो होती है 10 साल की कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। तो इसको याद करना है, तो आपको पता है कि शादी में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेरे, तो फेरे से आपको फोरे याद आ जाएगा, शादी के फेरे तो फोर आपको याद आ गया। अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है खुशियों का टाइम है, तो लोग नाचते भी हैं, तो नाचने में 9 और 4 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाच फॉर 9 4, तो 494 किस चीज़ का वर्णन है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। फिर जो 495 है इसमें लिखा हुआ है पहले विवाह को छिपाना, यानी पहचान को छिपा रहा है पूरी तरह से कि एक बार विवाह हो चुका है, तो पहचान फॉर 95 और शादी है तो फेरे होंगे, तो फेरे फॉर 4 और पहचान फॉर 95, यानी 495 में किस चीज़ का वर्णन है, दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाने का, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, अब है धारा 498 का, इसमें वर्णन है महिला को प्रताड़ित करने का। तो आपको पता है प्रताड़ित करने के तरीके दो होते हैं, एक तो महिला से ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर दूसरा ये कि महिला के ऊपर हाथ उठाना। तो ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर हाथ उठाएं, दोनों के दोनों प्रताड़ित करना ही है, ठीक है। तो ऊंची फॉर 49 और हाथ उठाना फॉर 8, तो 49 और 8 यानी 498, ठीक है। और ऑप्शन देख के आप का क्लियर कर लोगे कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का आपराधिक कार्य का वर्णन है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि महिला को प्रताड़ित करना IPC के किस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक कार्य है, और आपको ऑप्शन दे देगा 496, 497, 498 और 498 का। ऐसा कभी नहीं होता, ज़्यादातर आपको ऐसे दे देगा कि 315, 212, ठीक है, 498 का और 511, तो दूर दूर ऑप्शन देता है, तो क्लियर हो जाएगा कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का अपराध वर्णित है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 499 की, इसमें वर्णन है मान हानि की परिभाषा का। तो मान हानि की परिभाषा, जाहिर सी बात है किसी बंदे का ऊँचा नाम है ना, तभी तो मानहानि होगी। मान लीजिए किसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसने पहले से अपने नाम बोर रखे हैं, बोर रखे समझते हैं, मतलब उसने अपने नाम कमाया ही नहीं है, कोई उसको पहचानता ही नहीं, तो मानहानि कितनी होगी, थोड़ी सी। लेकिन अगर किसी का ऊंचा नाम है तो मानहानि ज़्यादा होगी। तो ऊंचा फॉर 49, नाम फॉर 9, 49 और 9 यानी 499। तो याद रखिएगा धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन है, और इसका जो दंड है उसका वर्णन है धारा 500 में, ठीक है। इसके जस्ट बाद दंड क्या होता है, तो 2 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है मानहानि की दंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमारे सामने अगला है धारा 509, इसमें वर्णन है ऐसे शब्द जो अनादरित करें, मतलब कि महिलाओं को गलत इशारे करना, या फिर अश्लील कॉल करना, अश्लील पत्र देना, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए कोई कॉल करता है या फिर पत्र देता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सामने होगा तो पिट जाएगा, और दूर है तो बच जाएगा, ठीक है। कॉल कर रहा है, दूर से कर रहा है तो बच गया मान लीजिए, और अगर वह पास में है तो जाहिर सी बात है गलत गलत इशारे अगर कर रहा है तो महिलाएं क्या बोलेंगी, पास आओ ना तब बताऊं तुमको गधे कहीं के। जाहिर सी बात है मैंने गधा बोल के गधों का जो है अपमान कर दिया है, गधे नहीं होते वो, गधे से भी बदतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात फिलहाल इतनी हो रही है कि महिलाएं यही बोलेंगी कि पास आओ ना तब बताऊं तुमको, ठीक है। पास आओ ना, पास फॉर 5, आओ फॉर 0 और ना फॉर 9, यानी 509। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 509 में किस चीज़ का वर्णन है, महिलाओं को गलत गलत इशारे करना, अश्लील कॉल या फिर अश्लील पत्र देना, ठीक है। तो इस चीज़ का अपराध का वर्णन इसमें है। अब हम लोग बात कर लेते हैं IPC के लास्ट धारा की, जो है 511, इसमें वर्णन है अपराध के प्रयत्न का। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं IPC की धारा को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा करवा पाऊँगा। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, तो वो मैंने बनाई थी आपकी महिलाओं से संबंधित अपराध की, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 धाराएँ थी, तो उसको मैंने किसी प्रकार से किया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसकी ट्रिक पूरी बना पाऊँगा। लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, जबकि ये मुझे भी याद हो गई हैं, उम्मीद है आपको भी याद हो गई होंगी, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि ये चीज़ कभी ना भूले, क्योंकि आपको पता है ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद करना है अगर 511 को, तो इसमें लिखा हुआ है अपराध का प्रयत्न। अब अपराध का प्रयत्न तभी पता चलेगा जब कोई बंदा पकड़ा जाए चोरी करते हुए, या फिर कोई भी काम करते हुए, है ना। अगर चोरी करके निकल गया तो अपराध तो हो गया, प्रयत्न नहीं किया उसने, कर लिया वो काम, ठीक है। तो अगर कोई पकड़ा जाए तभी पता चलेगा कि उसने अपराध का प्रयत्न किया है। तो पकड़ा जाए, ठीक है, यानी पकड़ा जाना जरूरी है, पकड़ा जाना जरूरी है, तो पकड़ा फॉर 5 और जाना जरूरी है तो जाना फॉर 11, 511।
वैसे मैं पकड़ा नहीं बोलता, मैं पकड़ा बोलता हूँ, ठीक है। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पकड़ा जाना जरूरी है, तो आप भी दो चार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तो धारा 511 में किस चीज़ का वर्णन है? अपराध के प्रयत्न का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आईपीसी की सभी धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया, जो कि ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा एक की, जिसमें वर्णन है उसके नाम और विस्तार का। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है जब हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़े थे और आईपीसी की धारा पढ़ी थी। तो जब फर्स्ट की बात की थी मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नाम और विस्तार की बात की जाती है, चाहे आप किसी भी चीज़ की धारा को याद करें या फिर कहीं के भी अनुच्छेद याद करें, तो सबसे पहले उसी के परिचय की बात होती है। तो यहाँ भी अलग नहीं है, उसी चीज़ की बात की जा रही है, मतलब नाम और विस्तार की बात की जा रही है। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ मैं आपको कि जैसे बचपन में हम लोग की जो नोटबुक हुआ करती थी, तो पहले पन्ने पर हम लोग अपना नाम लिखा करते थे, क्योंकि वो हमारी नोटबुक हुआ करती थी और साथ ही साथ सब्जेक्ट का नाम लिखा करते थे। सेम ऐसे ही फर्स्ट में उसी चीज़ की बात हो रही है, मतलब नाम और विस्तार की बात हो रही है, तो अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो की। तो इसमें परिभाषाओं की बात की गई है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, दो का, दो खा, दो गा, दो घा करके बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि सीआरपीसी की धारा दो में किस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। अगर पूछ भी लिया जाता है तो परिभाषा है, परिभाषा का मतलब क्या है कि दूसरों के अनुसार कही गई बात, ठीक है। परिभाषा, परि प्लस भाषा, मतलब दूसरों के अनुसार कही गई बातें। तो दूसरों के अनुसार मतलब दो आपको याद आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आप संधि विच्छेद करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। इसके अंदर की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धारा दो का की, ठीक है। इसमें वर्णन है जमानती अपराध के परिभाषा की, ठीक है। इसके अंदर परिभाषाएं ही आएंगी, जितनी भी आएंगी। तो दो का में स्पेशल रूप से जमानती अपराध की परिभाषा की बात कही गई है। आसानी से आप याद रख सकते हैं, जमानती में शब्द लिखा हुआ है जमा, जमा करना आप समझ रहे हैं ना, मतलब डिपॉजिट करना। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने गुल्लक में थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टुकड़ों में पैसे को जमा करते हैं, इकट्ठा तो नहीं जमा करते ना, टुकड़ों में एक एक सिक्के डाल डाल के जमा करते हैं। तो टुकड़ों में आपको शब्द मिल जाएगा टू, और कड़ा में शब्द मिल जाएगा का, ठीक है। टुकड़ा, टू और का, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धारा टू का यानी दो का में किस चीज़ का वर्णन है, जमानती अपराध की परिभाषा का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो गा की, यानी टू सी की। इसमें वर्णन है संज्ञेय अपराध के परिभाषा की। तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि संज्ञेय में ही हमारा आंसर लिखा हुआ है। संज्ञेय में एक शब्द आपको छिपा हुआ मिल जाएगा, वो है गेय, मतलब गा शब्द आपको मिल जाएगा ना, संज्ञेय ज्ञा में गा शब्द आपको आसानी से छिपा हुआ मिल जाएगा, और जो छिपा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो आसानी से आप कन्फर्म कर लोगे कि जिसमें गा लिखा हुआ है, मतलब टू गा हमारा आंसर होगा, अर्थात सीआरपीसी की धारा दो गा में किस चीज़ का वर्णन है, संज्ञेय अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन आपके सामने होगा, तो जिसमें गा लिखा होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परिवाद के परिभाषा की, जिसका वर्णन है सीआरपीसी की धारा दो घा में, यानी टू डी में परिवाद की परिभाषा का वर्णन है। परिवाद शब्द से मिलता जुलता एक शब्द है, आपके नज़र में आ ही गया होगा, वो शब्द है परिवार। परिवाद, परिवार, परिवार की बात हो रही है, और जब परिवार शब्द बोला जाता है तो हमेशा बोला जाता है घर परिवार। घर जो है वो घा से होता है, घा से घर, तो घा यानी टू घा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दो घा में किस चीज़ का वर्णन है, परिवाद की परिभाषा का वर्णन है, क्योंकि परिवाद में परिवार शब्द लिखा हुआ है, परिवार मतलब घर परिवार की बात हो रही है, और घर फॉर घा, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी याद हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो छा की। आसानी से याद कर लेंगे, यहाँ पर देखिए जांच शब्द लिखा हुआ है ना, मतलब जांच की परिभाषा का वर्णन है दो छा में। तो जांच में आपको शब्द मिल जाएगा जा और चा, आपने पढ़ा होगा काका गाह में चा छा जा होता है, तो लास्ट में चा लिखा हुआ है जांच में और फिर जा लिखा हुआ है, मतलब छा गायब है यहाँ से, चा छा जा।
तो चा लिखा है, छा नहीं लिखा है बल्कि जा लिखा है आगे, ठीक है। पीछे से पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना, चा छा जा। तो जो नहीं लिखा हुआ है, जो छिपा हुआ है यहाँ पर, वही हमारा आंसर है। जैसे हम लोगों ने देखा था संज्ञेय अपराध वाले में कि गा छिपा हुआ था, तो वो हमारा आंसर हो गया था। तो चा लिखा हुआ है, फिर डायरेक्ट जा लिख दिया है, छा नहीं लिखा है, तो सही जवाब क्या होगा, छा होगा। मतलब जांच की परिभाषा का वर्णन किस में है, दो छा में है। याद हो गया ना आसानी से, आप ऑप्शन देखोगे आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो जा की, ठीक है, जिसमें वर्णन है अन्वेषण की परिभाषा का। अभी दिक्कत हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ये सोचे कि जा फॉर जांच, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सिंपल सा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो छिपा होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको सीधे तो लिख के नहीं दे देगा, नहीं तो आप आसानी से नंबर पा जाओगे। तो सिंपल से यही समझिएगा, अपने दिमाग में इतना रखिएगा कि जो चीज़ें छिपी हुई हैं हमको उन्हीं को पता करना है। साधारण सा हमारे सामने कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है दो जा, और अन्वेषण की बात कही गई है। तो आपको पता है कोई भी केस होता है पहले जांच होती है, मतलब इंक्वायरी होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन की बात इंक्वायरी के बाद की गई है, मतलब जांच के बाद अन्वेषण की बात कही गई है, मतलब सेम छा के बाद जा, ठीक है। मैंने आपको बताया था चा छा जा, तो छा के बाद जा में वर्णन है अन्वेषण की परिभाषा का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो ठा की, जिसको 2I बोलते हैं, और इसमें वर्णन है असंज्ञेय अपराध के परिभाषा की। संज्ञेय अपराध की परिभाषा की बात हो चुकी है 2C में, और यहाँ पर बात हो रही है किस में, 2I में असंज्ञेय अपराध के परिभाषा की। तो वहाँ पर हम लोगों ने याद किया था हिंदी वाले से, यहाँ पर आई से याद करेंगे। आई की बात हो रही है, तो आई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति आ चुका है तो उसको बोला कि हाँ वो आई है, ठीक है, मतलब आने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है असंज्ञेय, मतलब यहाँ भी शब्द लिखा हुआ है कि आ संज्ञेय, मतलब संग में आ, असंज्ञेय मतलब कोई आया हुआ है किसी के संग में। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि आई है तो आई फॉर 2I, तो आप ऐसे आसानी से क्लियर कर लोगे कि सीआरपीसी की धारा 2I, मतलब आई आप क्लियर करोगे ना अगर का खा गा घा ऐसा जोड़ के तो ठा में आ जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि टू ठा मतलब 2I में किस चीज़ का वर्णन है, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा दो ढा की, ठीक है, इसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। आसानी से याद कर सकते हैं अपराध को क्या बोलते हैं, क्राइम। क्राइम में एक शब्द आपको मिल जाएगा क्रीम। मान लीजिए घर में कोई क्रीम रखी हुई है, खाने वाली क्रीम रोल की बात हो रही है, या फिर कोई भी क्रीम समझिए, ठीक है, केक से रिलेटेड। तो जो क्रीम्स होती हैं खाने वाली चीज़ है, तो अगर घर में रखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको ढक कर रखेंगे, है ना। या फिर फेस वाले क्रीम की बात कर लेते हैं, अगर उसको ढक के नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, है ना, मतलब फिर वो यूज के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर क्रीम है तो उसको ढक के रखते हैं, तो ढकना फॉर ढा मतलब टू ढा, अर्थात दो ढा में किस चीज़ का वर्णन है, क्रीम फॉर क्राइम मतलब अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा टू अड़ा की, मतलब टू ओ की। यहाँ से बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, जो टू वाले हैं ओ जो शब्द लिखा हुआ है ओ फॉर ऑफिसर कर लीजिएगा, ऑफिसर मतलब अधिकारी, अर्थात इस चीज़ में वर्णन है थाने के भार साधक अधिकारी का, ठीक है। मतलब टू अड़ा मतलब टू ओ में किस चीज़ का वर्णन है, थाने के भार साधक अधिकारी का। इसके बाद बात कर लेते हैं टू आर की, जिसमें वर्णन है पुलिस रिपोर्ट का। तो आर फॉर रिपोर्ट यानी पुलिस रिपोर्ट की बात हो गई, तो ये भी आसानी से याद हो गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा टू एस की, तो एस फॉर स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन अर्थात पुलिस थाने की बात हो रही है। तो तीनों के तीनों आसानी से क्लिक हो जाते हैं अपने ही शब्द से। ओ फॉर ऑफिसर मतलब टू ओ में ऑफिसर अर्थात पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की बात हो रही है। दूसरा आर, आर फॉर रिपोर्ट यानी पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है टू आर में। फिर था टू एस, एस फॉर स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन। अब टू के अंदर एक और महत्वपूर्ण है, वो है वारंट मामला, जिसका वर्णन है सीआरपीसी की धारा टू एक्स में। एक्स की बात हो रही है और यहाँ पर वारंट मामले की बात हो रही है, मतलब वारंट मामले संबंधित जो भी चीज़ें हैं मतलब परिभाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देखिए वारंट में शब्द लिखा हुआ है वार अंत,
मतलब वॉर का अंत हो चुका है। आपको पता है वॉर का अंत या तो हार से होता है या फिर जीत से होता है। अब अगर किसी की जीत होगी तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष वाले सब खत्म हो गए होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि वॉर जब होता है तो एक ही पक्ष की नहीं बल्कि दोनों ही पक्ष की हानि होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों ही देश बहुत पीछे चले जाते हैं, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है उनमें। तो खत्म होने का अगर बात करें तो ये कट करने का निशान जो है, मतलब एक्स का जो निशान है वो खत्म ही तरीके से दर्शा सकते हैं, है ना। एक्स का निशान खत्म करने के तरीके से दर्शा सकते हैं हम लोग। और वॉर का जब अंत होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि 2x में किस चीज़ का वर्णन है, वॉरंट मामले का वर्णन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने धाराओं को याद कर लिया है। 2A में जमानती अपराध की परिभाषा, 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, मतलब 2GA में गा फॉर संज्ञेय, गा शब्द छिपा हुआ था, 2GHA में घर परिवार, परिवार फॉर परिवाद, ठीक है। तो 2GHA में परिवाद की परिभाषा का वर्णन था, 2CHA में जांच की परिभाषा का, चा छा ज्या होता है, छा गायब था तो सही जवाब वही होगा। उसके बाद 2JA, फिर 2THA याद किया मतलब 2I, 2N, 2O फॉर ऑफिसर, 2R फॉर रिपोर्ट, 2S फॉर स्टेशन और लास्ट वाला 2X। तो इतना आपको आसानी से याद हो चुका है ना, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज भी यहीं पर होते हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको यही याद हो सके। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CRPC की धारा 8 की, जिसमें वर्णन है राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा। महानगर की बात हो रही है मतलब सिटी की बात हो रही है। सिटी में आपको शब्द मिल जाएगा शीट, सी और एट, तो सिटी में आपको एट शब्द आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि CRPC की धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, सिटी का, मतलब राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है सेशन न्यायालय की। तो सेशन में शब्द लिखा हुआ है सन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 याद करने के लिए आसानी से कर लेते हैं 9, 9 को याद करने के लिए नाइट कर लेते हैं, 9 नाइट हो जाएगा, ठीक है। और सेशन में सन शब्द लिखा है तो आपको पता है जब सन अस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। और जब तक सन निकल नहीं आते हैं यानी राइज नहीं हो जाता है सनराइज, तब तक नाइट ही रहती है। तो यहाँ पर सन और नाइट फॉर 9। तो आसानी से याद रखिएगा कि धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, सेशन न्यायालय का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की। आसानी से याद कर लेंगे मजिस्ट्रेट जो शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर हमको शब्द मिल जाएगा मचिस्टेट, मतलब माचिस शब्द मिल जाएगा। माचिस से आग जलाया जाता है और आग से जर जाते हैं, तो जर फॉर 11, 11 मतलब 11। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो गई, न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, और मुख्य भी काम नहीं आता तो फिर विशेष रूप से मतलब स्पेशल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो सकती है। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और वो भी काम पर नहीं आया तो फिर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जस्ट 11 के बाद 12 और उसके बाद विशेष वाला जो है वो 13। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, और धारा 13 में किस चीज़ की बात हो रही है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। जबकि 11 को हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया, तो 11 के बाद मुख्य और मुख्य के बाद विशेष, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णन है लोक अभियोजक की, मतलब सरकारी वकील की बात हो रही है। वकील में आपको शब्द मिल जाएगा वा के बाद की और ला, की फॉर चाबी होती है ना, के ई वाई की मतलब चाभी, चाभी फॉर 24, ठीक है, 24 चाभी। आसानी से आपको याद हो गया कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है, वकील का वर्णन है, मतलब लोक अभियोजक का वर्णन है। याद रखिएगा लोक अभियोजक का मतलब सरकारी वकील होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 25 की, तो जब सरकारी वकील की बात हुई तो इसके बाद सहायक लोक अभियोजक मतलब सहायक सरकारी वकील की बात होगी। तो क्लियर हो गया ये भी आपका कि धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है, सहायक लोक अभियोजक का वर्णन है, ठीक है। जबकि 24 में लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील का वर्णन है, की फॉर चाभी, चाभी फॉर 24। तो ये भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 24 और 25 भी आपको आसानी से याद हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 41 की। इसमें वर्णन है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 में शब्द लिखा हुआ है एक टोली, मतलब एक टोली की बात हो रही है। वारंट में वॉर शब्द लिखा हुआ है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी एक टोली है, ठीक है, वो दूसरे टोली से युद्ध करने आई है, या फिर ऐसा समझिए वारंट में वॉर शब्द लिखा हुआ है। तो दो टोलियाँ हो गई, ठीक है, एक टोली दूसरे टोली से झगड़ा कर रही है। तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस बिना वारंट कि उन सबको गिरफ्तार करेगी। तो एक टोली यानी पूरा का पूरा गैंग कहीं किसी को मारने जाते हैं तो पुलिस बिना वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा एक टोली फॉर 41, तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 41 में किस चीज का वर्णन है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी का। ठीक है, क्योंकि एक टोली पूरी की पूरी कहीं किसी को मारने जाएगी या फिर कहीं भी जाएगी, ठीक है, तो आसानी से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस अधिकारी द्वारा, क्योंकि हो सकता है कि वो दंगा करें या फिर कहीं भी कोई भी घटना करें। तो आसानी से आपको ये वाला धारा भी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 42 की, जिसमें वर्णन है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी की। तो 42 में शब्द लिखा हुआ है बयान लिहिस, 42 बयान लिहिस, तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको बयान लेने के लिए बुलाया गया। अब बयान के टाइम पे ना वो अपना नाम बता रहा है ना अपना निवास बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो आसानी से आप याद रखिएगा कि धारा 42 में किस चीज़ का वर्णन है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 43 की, जिसमें वर्णन है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का। तो जाहिर सी बात है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी क्रिमिनल को गिरफ्तार करेगा तो तालियां ही बजेंगी उसके लिए समाज द्वारा, है ना, मतलब कि पूरा का पूरा जो समाज है उसके लिए तालियाँ बजाएगा, ताली फॉर 43। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि धारा 43 में किस चीज़ का वर्णन है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने होगा तो आप कन्फर्म कर लोगे। इसके बाद है धारा 44, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो यहाँ पर देखिए चार चार शब्द लिखा हुआ है, याद करने के लिए कर लेते हैं चोर चोर। तो जाहिर सी बात है चोर को कौन गिरफ्तार करने को बोलेगा, मजिस्ट्रेट बोलेगा, है ना, किसी घर चोरी हुई है तो मजिस्ट्रेट बोलेगा उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 44 में किस चीज़ का वर्णन है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का वर्णन है। इसके बाद बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है सशस्त्र बल मतलब आर्म्ड फोर्स के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण का। आर्म्ड फोर्स की बात कर लेते हैं, आर्म्ड फोर्स में शब्द लिखा हुआ है आर्म, आर्म मतलब आपको पता है बाहों की बात हो रही है ना, मतलब हाथ की जो दोनों बाहें हैं उनकी बात हो रही है। और फोर्स को याद करने के लिए कर लेते हैं फोर, मतलब बाहें या फिर हाथ को चार करने की बात हो रही है। तो आपको पता है पिताजी घर पर अगर अकेले हों तो उनके बच्चे क्या करते हैं, अपने पिताजी का हाथ बटाते हैं किसी भी काम में, मतलब ये कह सकते हैं कि अपने पिताजी के हाथ की ताकत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब दो से चार कर देते हैं। तो आर्म फोर्स मतलब हाथों का फोर कर दिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा पिता पर 45 यानी धारा 45 में किस चीज का वर्णन है, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तारी कैसे की जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है और जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो वो भाग जाते हैं, है ना, तो पुलिस वाले सोच रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कैसे किया जाए। जब भी जाते हैं भाग जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसको गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि उसको चारों तरफ से घेर के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि चारों तरफ से आओ और आज उसको छोड़ना नहीं, है ना, क्या बोल रहे हैं कि चारों तरफ से आ जाओ और उसको छोड़ना नहीं। तो चारों फोर चार और छोड़ना में छः शब्द यानी छः, तो आसानी से चार और छः मतलब 46। तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तारी कैसे की जाए। ठीक है, इस चीज़ का वर्णन है। इसके बाद है धारा 50, इसमें वर्णन है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार को इत्तला दी जाना। ठीक है, मतलब जो जमानत का अधिकार है उसके लिए इत्तला मतलब सूचना दी जाना। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर गिरफ्तार तो किया गया है व्यक्ति को और लेकिन उसको सूचना दी जा रही है कि कैसे वो जमानत ले सकता है। तो आसानी से बात ये समझिए कि वहाँ पर उसको बचाने की बात की जा रही है, मतलब वो कैसे बच सकता है ये उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको बताया क्या जा रहा है कि कैसे बचा जाए, बच्चा फॉर 50, बचास पचास। तो आसानी से याद रखिएगा धारा 50 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिए जाने का।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 57 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है इस चीज़ का। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। तो आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 घंटे के भीतर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की बात हो रही है, मतलब ये बोला जा रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में वो अपराधी ना रहे। मतलब जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी अपराधी को ज़्यादा ना सता पाएं, इसलिए 24 घंटे बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे रख सकते हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सता ना पाएं, ठीक है, तो सताना फॉर 57, सताना 57, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 57 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी, मतलब प्रस्तुत किया ही जाएगा, इस चीज़ का वर्णन है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि किस न्यायिक निर्णय में ये बोला गया था कि कोई भी गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया ही जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी ट्रिक के साथ, तो उम्मीद है आपको याद होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 70 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तारी के वारंट और प्रारूप की अवधि का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वारंट और अवधि। ठीक है, मतलब जो गिरफ्तारी का वारंट है और साथ ही साथ गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और उसके अवधि का, कि कब तक ये वारंट वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए वारंट की अवधि की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कोई व्यक्ति है जो कि पुलिस से बच के भाग रहे हैं, तो कोशिश यही करेगा कि जब तक वारंट की अवधि है तब तक वो छिप के रहे, क्योंकि अगर वारंट उसके नाम का कटा हुआ है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको पकड़ ले जाएगी, तो वो छिप के बैठा हुआ है। मतलब वो सतर्क है तब तक जब तक कि वारंट की अवधि है, वारंट की अवधि ख़त्म हुई फिर वो बाहर आ सकता है। तो वारंट की अवधि जब तक के लिए है तब तक वो सतर्क है, पुलिस से दूर है। तो सतर्क फॉर्क 70, ठीक है, सतर्क 70, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 70 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और अवधि का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 82 की, इसमें वर्णन है फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी किए जाने का। तो फरार व्यक्ति की बात हो रही है, आपको पता है जैसे विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ये सब फरार हो गए इंडिया से, क्राइम करके निकल लिए, तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि बाय बोल के यहाँ निकल लिए, बाय सी फॉर 82 आपको याद हो जाएगा, तो बाय बोल के निकल लिए मतलब फरार हो गए। तो आसानी से याद रखिएगा फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी करने की बात किस में कही गई है, धारा 82 में, क्योंकि अगर फरार हो जाएंगे बाय बोल के निकल जाएंगे तो उसको बोला जाएगा ना कि यहाँ आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि आपको आपने कोई भी क्राइम किया है तो जाहिर सी बात है आपको सजा मिलेगी ही, आज नहीं तो कल, तो जितना जल्दी आप आ जाओ उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो धाराएं हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे इसी के साथ, जैसे कि धारा 83, 84 और 85। धारा 83 में वर्णन है फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की, 84 में वर्णन है कुर्की के बारे में दावा और आपत्तियों का, और 85 में वर्णन है कुर्की हुई संपत्ति के को निर्मुक्त करने और वापस करने का। आपको पता है जब कोई भी क्राइम करके फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्की कर ली जाती है ना, मतलब जब्त कर ली जाती है सरकार के द्वारा। तो जाहिर सी बात है जैसे ही फरार हुआ व्यक्ति, उद्घोषणा जारी की गई, नहीं आया तो उसकी संपत्ति कुर्की कर ली गई। तो 82 के बाद 83 में फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की की बात की गई। अब ऐसा समझिए कि कोई भी फरार व्यक्ति की संपत्ति थी, लेकिन वो जाते जाते क्या किया कि अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर गया, मतलब ऐसा दिखाया गया कि वो बेच के जा रहा है दूसरे व्यक्ति को। तो जाहिर सी बात है फिर वो दावा करेगा, ठीक है, या फिर आपत्तियां उठाएगा कि ये संपत्ति तो अब मेरी है, आप इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि मैंने वो सामने वाले से खरीदा हुआ है। तो फिर आके जो कुर्की वाली संपत्ति है उसके लिए दावा करेंगे और आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। अब अगर ऐसा होता है कि उन्होंने खरीद लिया है तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाएगी, मतलब वापस कर दी जाएगी। तो आप क्रम से याद रखिएगा 83, 84 और 85 में इसी तरीके की बात की गई है, मतलब जो फरार व्यक्ति था उसकी संपत्ति की कुर्की की गई, उसने बेच दिया था दूसरे व्यक्ति को, तो उसने दावा और आपत्तियां दर्ज करवाई और फिर बाद में उसकी संपत्ति वापस कर दी गई क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने खरीदा था। तो आपको ये तीनों आसानी से याद हो चुके हैं, साथ में 82 भी आपको याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 87 की, इसमें वर्णन है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। आपको पता है समन क्या होता है, समन में ये बोला जाता है कि आपको इस डेट को कोर्ट में पेश होना है, ठीक है, ये होता है समन से रिलेटेड पत्र। और जो वारंट होता है उसमें पुलिस जाती है और सामने वाले को पकड़ के ले आती है, समन में बुलाया जाता है और वारंट में जबरदस्ती पकड़ लाया जाता है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जो समन है वो व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है,
जबकि जो वारंट है, वारंट कटने के बाद पुलिस साथ में लेके आती है ना, समन पुलिस दे के आती है हाथ में, जबकि वारंट के बाद पुलिस साथ में लेके आती है। तो 8 और 8 और 7 और 7, आसानी से याद रखिएगा कि 8 और 7 मतलब 87 में किस चीज़ का वर्णन है, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट के जारी किया जाने का। आसानी से याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 91 की, जिसमें वर्णन है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन का। दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ है वेज, वेज को कर लेते हैं नॉन वेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए दस्तावेज या अन्य चीज़ की बात हो रही है, मतलब वेज के अलावा भी अन्य अर्थात नॉन वेज। तो सिंपल से यहाँ पर याद करने के लिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि नॉन वेज जब होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते। तो यहाँ पर देखिए 91 में शब्द लिखा हुआ है इन नाक कान नवे, ठीक है, मतलब नाक कान नवे शब्द आपको मिल जाएगा। नाक और कान, तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो क्या करते हैं, अपने नाक कान बंद करके रखते हैं, जिससे कि उसकी भी मतलब कि उसको देख भी ना सके और उसकी स्मेल भी ना आए, क्योंकि उनके लिए वो बुरा होता है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि इन नाक कान नवे फॉर नाक कान नवे यानी इन कान नवे, ठीक है। और नाक कान बंद कर लेते हैं तो आपको नॉन वेज से याद आ जाएगा कि दस्तावेज की बात की जा रही है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि धारा 91 में किस चीज का वर्णन है, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन का। ऑप्शन आपके सामने होगा, बस आप शब्द को याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 93 की, जिसमें वर्णन है तलाशी वारंट जारी किए जाने का, या फिर यहां पर बोला जा रहा है कि तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है धारा 93 के तहत। तो यहाँ पर देखिए 93 की बात हो रही है ना, तलाशी वारंट मतलब सर्च वारंट। सर्च करने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ सर्च किया जाता है, गूगल में। और आपने देखा होगा गूगल को गूगल बाबा भी बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा जानकार, या फिर ऐसा समझे कि हमारी सब चीज़ों का आंसर दे देता है ज़्यादातर चीज़ों का, तो गूगल बाबा बोलते हैं। तो बाबा जो होते हैं उनके नाती या फिर नातिन होते हैं, तो नातिन फॉर 9 और 3, आसानी से याद हो गया ना, 9 3 मतलब 93। तो आपको याद हो गया कि सर्च वारंट की बात किस में कही गई है, धारा 93 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 106 की, जिसमें वर्णन है दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का। दोष सिद्ध को कोई भी तोतला व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ेगा दोष छिद्ध, दोष फॉर 10 और छिद में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, दोष 6 मतलब 106। आसानी से याद हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप भी थोड़ा सा तोतले हो जाओ याद करने के लिए, बाकी आप आसानी से जब आपको याद हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 109 की, जिसमें वर्णन है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संदिग्ध में आपको शब्द मिल जाएगा सौनदिग्ध, 100 और 9 यानी 109। आसानी से आपको याद हो जाएगा 109 में किस चीज़ का वर्णन है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का, ठीक है। इसके बाद है धारा 110, जिसमें वर्णन है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो अभ्यासिक की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कि अभ्यास की बात हो रही है। आपको पता है अगर मान लीजिए आपसे कोई भी चीज़ ना आए तो आप अभ्यास करके वो चीज़ें सीख लेते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी एक एक गलतियों को सुधार लेते हैं, एक एक गलतियों को सुधारते हैं। तो जाहिर सी बात है एक एक गलतियां जब सुधार जाती हैं तो लास्ट में गलतियां 0 बचती हैं, तो 1 1 0 मतलब 110। आसानी से आपको याद हो गया कि धारा 110 में किस चीज़ का वर्णन है, अभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 125 की, जिसमें वर्णन है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। तो फिलहाल यहाँ पर संतान से याद करेंगे, संतान में बेटों का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन बेटियों का मतलब बच्चियों का ज़्यादातर आपने देखा होगा केस बच्चियों से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ज़्यादातर माता पिता जो है भरण पोषण से रिलेटेड वर्क नहीं करते। आपने देखा होगा पहले ज़्यादातर ऐसा होता था, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया है, या फिर ऐसा बोले कि पूरी तरह से अच्छा हो गया है फिलहाल। तो एक बच्ची है जिसके भरण पोषण के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि माता पिता ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। तो एक बच्ची फॉर 125, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 125 में किस चीज़ का वर्णन है, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। इसके बाद है धारा 127, जिसमें वर्णन है भत्ते में परिवर्तन का। भत्ते को याद करने के लिए कर लेते हैं भिंगते, ठीक है। और 127 में देखिए दो शब्द लिखे हुए हैं 12 और 7, हो गया बरसात, बरसात में लोग भीगते हैं, भीगते फॉर भत्ते। आसानी से आपको याद हो गया ना धारा 127 में किस चीज़ का वर्णन है, भत्ते में परिवर्तन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 144 की, जिसमें वर्णन है न्यूसेंस या आसक्ति खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र मजिस्ट्रेट, ठीक है।
आप जो देख रहे हैं धारा 144, ये धारा 144 जो लागू होती है उसकी बात हो रही है। बहुत सारे लोग आईपीसी में धारा 144 देखते हैं, जबकि वो नहीं होती, सीआरपीसी की धारा 144 लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है क्या, आसक्ति खतरे या फिर अर्जेंट मामला। तो आपको पता है ऐसे में ही धारा 144 जो होती है वो लागू होती है ना, तो सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपको धारा 144 ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, यही धारा 144 है जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर लागू होती है और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले धारा की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 145 की। इसमें वर्णन है जहाँ भूमि या जल के संबंध में विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया। आसानी से भूमि से हम लोग याद करेंगे, आपको पता है जब एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं तो जब भी संपत्तियां बांटी जाती हैं तो उनमें विवाद होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर विवाद होते हैं भूमि से रिलेटेड कब होते हैं, जब एक ही पिता के कई सारे पुत्र होते हैं और जब उनमें बंटवारा होता है। तो एक पिता से रिलेटेड भूमि में ज़्यादातर होते हैं झगड़े, है ना। तो भूमि से रिलेटेड कौन सा आपको याद हो जाएगा, जहाँ भूमि या जल के संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभव है वहाँ प्रक्रिया, और एक पिता फॉर 145, तो आपको ऐसे ही ये धारा भी याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की, जिसमें वर्णन है विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति का। मतलब कोई भी विवाद की वस्तु थी उसको सरकार ने पहले कुर्क कर लिया और बाद में एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया कि इसका मालिक ये होगा। मतलब कुल मिला के किसी व्यक्ति के संरक्षण में अब वो चीज़ दे दी गई जो कि विवाद की वस्तु थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के छाया में उस चीज़ को रख दिया गया है ना, जिससे कि विवाद ना हो। तो एक व्यक्ति के छाया, छाया फॉर 46 मतलब 146। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा धारा 146 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 153 की, जिसमें वर्णन है वाटों और मापों के निरीक्षण का। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, आपको पता है जो वाट होते थे उनको पहले क्या बोलते थे, पलड़ा। ठीक है, पलड़ा फॉर 15 याद हो जाएगा, और वो टीन के बने होते थे जिनमें मतलब कि रखा जाता था वस्तुओं को या फिर वाट को रखा जाता था, वो टीन के बने होते थे। तो टीन फॉर 3 पलड़ा, यानी 15 और 3 मतलब 153। आसानी से आपको याद हो चुका है कि वाटों और मापों का निरीक्षण किस में वर्णन है, धारा 153 में। ठीक है, इसके बाद है धारा 161, जिसमें वर्णन है पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा का। अब आपको पता है पुलिस किसी की परीक्षा ले रही, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले उसको एक टक देख रहे होंगे। ठीक है, मतलब एक एक पुलिसकर्मी उनको एक टक देख रहे होंगे। तो एक टक फॉर 161, ठीक है, एक टक 161। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि 161 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगली धारा की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 182 की, इसमें वर्णन है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, मतलब पत्रों आदि से जो अपराध किए जाते हैं उनकी बात हो रही है, पत्र मतलब लेटर्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो लेटर हुआ करते थे वो तुरंत प्राप्त नहीं हुआ करते थे, है ना। जैसे आज के टाइम पे मैसेज तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, बात हो जाती है कॉलिंग में, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। जो भी संदेश आते थे, पत्र आते थे, वो तुरंत प्राप्त नहीं होते थे, बल्कि बासी होने के बाद प्राप्त होते थे। बासी मतलब पुराने होने के बाद प्राप्त होते थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक पत्र आता था तो वो बासी हो जाता था, तब व्यक्ति को मिलता था। तो बासी 82 मतलब एक पत्र जब बासी हो गया तब मिला, तो 182। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि धारा 182 में किस चीज का वर्णन है, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध का। इसके बाद है धारा 183, जिसमें वर्णन है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। ठीक है, जल यात्रा से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 83 में शब्द लिखा हुआ है तैराशी। ठीक है, मतलब एक बंदा था जो कि तैराशी, सी मतलब आपको पता है समुद्र होता है ना, तो तैराशी मतलब तैर के निकल गया सी। तो जाहिर सी बात है कोई भी अपराध करता है और फिर अपराध से बचने के लिए भागता है ना। तो क्या किया वो बंदा, अपराध किया और फिर उसके बाद वो तैर के सी निकल गया। ठीक है, तो जल में यात्रा की उसने, है ना, तैराशी अगर उसने, तो जाहिर सी बात है जल में यात्रा की होगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 183 में किस चीज़ का वर्णन है, यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का। तो इस तरीके से धारा 183 भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद है धारा 188, जिसमें वर्णन है भारत से बाहर किए गए अपराध का। ठीक है, मैंने आपको आईपीसी में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कौन से अपराध भारत के बाहर माने जाएंगे, तो उनके साथ क्या होगा। ठीक है, या फिर कौन से भारत के अंदर होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई विदेशी आके भारत में अपराध करता है तो उसके साथ क्या होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर देखिए 188 को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 188 शब्द लिखा हुआ है, 18 और 8 लिखा हुआ है ना, 188 कर लेते हैं। तो 188 से मिलता जुलता एक शब्द है अब्रॉड,
अट्रॉट, अब्रॉड, ठीक है, मिलते जुलते शब्द हैं, आप दो से चार बार बोलिए, जब भी ऑप्शन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी ट्रिक अलग से नहीं बनाई जा सकती, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है इस पर ट्रिक बनाना, जबकि मैंने कोशिश की है तो थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो अट्रॉट, अब्रॉड, ठीक है, तो अब्रॉड मतलब भारत के बाहर किए गए अपराध, ठीक है, विदेश में, तो आसानी से आपको याद हो गया धारा 188 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत के बाहर किए गए अपराध का। तो जो CRPC है इसका निर्माण 14वें विधि आयोग के संतुतियों के आधार पर किया गया था, मतलब जो भी वर्तमान का CRPC है इसका निर्माण किसके आधार पर किया गया है, तो वो किया गया है 14वें विधि आयोग के आधार पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अच्छा, अगर आपने हमारे संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान का जो CRPC है ये आया था अस्तित्व में 1973 से, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, और CRPC में जो राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली थी वो मिली थी 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। वर्तमान CRPC में अध्याय की संख्या है 37, धाराएं हैं 484, और अगर अनुसूची की बात की जाए तो अभी हैं 2+1, मतलब दो हैं और एक जो है वो प्रगति में है, मतलब संशोधन किया जा रहा है कि एक और जोड़ दिया जाए तो फिर आगे चलकर अनुसूची की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये CRPC संशोधन 2020 में किया गया है, जो तीसरा वाला ऐड करना है ये अभी राज्यसभा में बिल पास हो गया है, लोकसभा में बचा हुआ है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में अनुसूची कितनी है, दो हैं और एक और जुड़ने वाली है, शायद आप भविष्य में आगे जब वीडियो देखो तो तब तक 3 हो जाएं, ठीक है, तो आप अपडेट रहिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि इस नई CRPC से पहले भी क्या कोई CRPC थी, तो जी हाँ थी, वो थी CRPC 1998, ठीक है, वो CRPC कब आई थी, 1998 में, उसमें अध्याय की संख्या थी 46, अनुसूची की संख्या थी 5 और धाराएं थी 565, ठीक है, तो ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी तक CRPC में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक CRPC की अगर बात करें तो कुल 17 संशोधन हुए हैं, ठीक है, 2019 तक 17 संशोधन हुए हैं, और जो मैंने आपको बताया कि तीसरी अनुसूची जुड़ने वाली है CRPC संशोधन 2020 के अंतर्गत, तो जब ये जुड़ जाएगी तो संशोधन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, अभी कितनी है, 17 है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में कि किस अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, इसके बाद हम लोग अध्याय को याद करेंगे कि किस अध्याय में किस चीज का वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्तमान CRPC में 37 अध्याय हैं, और एग्जाम में यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज का वर्णन है, जैसे आपने संविधान का भाग याद किया था तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते थे कि संविधान के किस भाग में किस चीज का वर्णन है, ऐसे ही यहाँ की धाराओं के साथ साथ अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज का वर्णन है, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं, तो जो अनुसूची एक है उसमें अपराधों के वर्गीकरण की बात की गई है, जैसे कि जमानती अपराध हो गया, अजमानती अपराध हो गया, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, ये चीजें, और साथ ही साथ कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध की सुनवाई करेगा, इन सभी चीजों का वर्णन अनुसूची एक में है। इसके बाद जो अनुसूची दो है उसमें प्रारूपों का वर्णन है, ठीक है, प्रारूप मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे कि वारंट का क्या प्रारूप होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी के प्रारूप का वर्णन है अनुसूची दो में। और तीसरा जो ऐड होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, संशोधन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, तो तीसरे वाले में अगर आएगा तो क्या आएगा, तो वो पीड़ित परिजनों का बयान से संबंधित है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में तभी पता चलेगा जब वो चीज़ें आ जाएंगी, तो थोड़ा सा आप केवल जहन में रखिएगा, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे जब भी ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग CRPC की 37 अध्याय को देख लेते हैं कि किस अध्याय में किस चीज का वर्णन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय एक की, इसमें वर्णन है प्रारंभिक का। प्रारंभिक का मतलब क्या है, तो प्रारंभिक में वर्णन है कि इसका नाम क्या है, मतलब CRPC के नाम का वर्णन है, CRPC का विस्तार कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ लागू होगी कहाँ लागू नहीं होगी, और CRPC से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसके अंतर्गत हैं। तो अध्याय एक में किसकी बात की गई है, प्रारंभिक की बात की गई है, या फिर नाम विस्तार इन सब चीज़ों की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है
पहली गिनती शुरू हो रही मतलब प्रारंभ ही हो रहा है, एक जो है प्रारंभ है गिनती का, तो प्रारंभ और प्रारंभिक। और हम लोगों ने जैसे संविधान के अनुच्छेद नहीं याद किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में वही बात होगी जिसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे हमारी कॉपी होती है, पहले के टाइम पर जब हम नोटबुक बनाते थे तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते थे, क्योंकि हमारी नोटबुक हुआ करती थी, और बाद में उस सब्जेक्ट का नाम लिखते थे जिस सब्जेक्ट की नोटबुक हुआ करती थी। वैसे ही ये जो CRPC है, तो ये अपने बारे में सबसे पहले लिखेगा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अध्याय दो की। अध्याय दो में वर्णन है दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो धाराएं आएंगी वो आएंगी 6 से लेकर 25A तक, और अध्याय एक में धाराएं आती हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो की बात हो रही है और दंड शब्द लिखा हुआ है। दंड को याद करने के लिए थोड़ा सा दंड शब्द को मैं बदल दूँ तो हो जाएगा दौंड, दंड, दौंड, मतलब दो शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। दो लिख दीजिए और लास्ट के जो बचे हुए शब्द लिख दीजिए तो आप दंड ही पढ़ेंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय दो में किस चीज़ का वर्णन है, दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन का, ठीक है। जब आपके सामने ऑप्शन होगा, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों के गठन का वर्णन CRPC के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय तीन की, जिसमें वर्णन है न्यायालय के शक्ति की। तो यहाँ पर देखिए न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय मतलब कोर्ट की बात हो रही है, और शक्ति में शब्द लिखा हुआ है सती, टी फॉर तीन, ठीक है। और कोर्ट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, सी जो है अल्फाबेट में वो भी 3 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय तीन में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायालय की शक्ति का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 26 से लेकर 35 तक की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय चार की। इसमें वर्णन है वरिष्ठ पुलिस कर अधिकारियों की शक्ति और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता, तो इन चीज़ों का वर्णन है। तो सबसे पहले याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस शब्द लिखा हुआ है और अधिकारियों में शब्द लिखा हुआ है कार्यों, मतलब कार की बात, पुलिस के कार्य की बात। आपके सामने अगर ऑप्शन हो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता का वर्णन किस अध्याय में है, या फिर CRPC के किस अध्याय में है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द लिखा हुआ है ना, और पुलिस की कार है, और कार है तो जाहिर सी बात है 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से आपको 4 याद आ जाएगा, मतलब अध्याय 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करना, ये किस अध्याय में वर्णित है, अध्याय 4 में। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 36 से लेकर 40 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 5 की, जिसमें वर्णन है व्यक्तियों के गिरफ्तारी का, और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 41 से लेकर 60A तक। तो यहाँ पर देखिए गिरफ्तारी की बात हो रही है, मतलब पुलिस द्वारा व्यक्तियों को पकड़ना, और जब पकड़ने की बात आती है तो हमेशा हम लोग किस चीज़ से पकड़ते हैं, तो अपने पंजे से पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है या फिर मोबाइल है, तो उसको कैसे पकड़ते हैं, अपने हाथों से, मतलब अपने हाथ के पंजों से पकड़ते हैं। तो जैसे ही पंजा शब्द आता है तो 5 की अनुभूति होती है, या फिर आपको पता है कि हमारे पंजे में, हाथ के पंजे में 5 उंगलियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा अध्याय 5 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 6 की, जिसमें हाजिर होने के लिए विवश करने की आदेशिकाओं का वर्णन है, और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 61 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पर देखिए हाजिर में जीर शब्द लिखा हुआ है, जीर को याद करने के लिए कर लेते हैं जीरा। आपको पता है जो जीरा होता है वो छोंक के काम में आता है, तो छोंक में आपको 6 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अध्याय 6 में किस चीज़ का वर्णन है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 7 की, जिसमें वर्णन है चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का, और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 91 से लेकर 105 तक। तो यहाँ पर देखिए चीज़ों को पेश करने की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी मुजरिम है, उसे मंगाया जा रहा है कि वो चीज़ें पेश कर दो, या फिर ऐसा समझिए कि एक चोर है, वो कोई भी ऐसी चीज़ चुरा के ले गया, जैसे खाद्य सामग्री वाली चीज़ें, तो उसको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें ला के पेश करो हमारे सामने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्यों बोला जा रहा है, जिससे कि उसका सेवन ना किया जा सके। सेवन करना मतलब क्या होता है, खा लेना, तो वो जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना कर पाए कोई, इसलिए बोला जा रहा है कि चीज़ें पेश कर दो, उसके लिए विवश करने की आदेशिकाएं दी जा रही हैं, या फिर आदेश दिया जा रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय जो 7 है उसमें किस चीज का वर्णन है, चीजें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का,
ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 7A की, जिसमें वर्णन है कुछ मामलों में सहायता के लिए ब्यातिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा सम अपहरण के लिए प्रक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुर्की शब्द को लेकर चलेंगे, मतलब संपत्ति की कुर्की शब्द को लेकर चलेंगे, जिससे कि ये चीज़ें याद हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कुर्की, कुर्की में शब्द लिखा हुआ है कुकी, मतलब कुक की बात हो रही है। और आपको पता है कुक क्या करता है, भोजन बनाता है, और भोजन बनाता है तो भोजन का क्या करते हैं हम लोग, सेवन करते हैं। तो सेवन से आपको 7 याद आ जाएगा, ठीक है। और जो भोजन होता है, अगर कुक बनाए कोई भी, मान लीजिए वो प्रोफेशनल कुक है, तो जाहिर सी बात है उसका भोजन बनाया हुआ कैसे होगा, A1 होगा, मतलब बेहतरीन होगा। तो A1 से आपको A भी याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 7A में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ मामलों में सहायता के लिए ब्यातिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा समापहरण के लिए प्रक्रिया का, ठीक है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 105A से लेकर 105L तक की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 8 की, जिसमें वर्णन है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति का। इसमें जो धाराएं हैं वो आती हैं 106 से लेकर 124 तक। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है परिशांति में शांति और सदाचार, ठीक है। तो आपको पता है कि शांति और सदाचार से अगर लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, मतलब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें, मतलब हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं, ना कि झगड़ा कर रहे हैं। तो हाथ में हाथ है, ठीक है, सब दोस्त जैसे हैं। तो हाथ फॉर 8 आपको याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 8 में किस चीज़ का वर्णन है, शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 9 की, जिसमें वर्णन है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 125 से 128 तक। तो यहाँ पर देखिए भरण पोषण में एक शब्द लिखा हुआ है पोषण। पोषण को याद करने के लिए कर लेते हैं पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, और आपने सुना होगा पत्थर से संबंधित कि नींव का पत्थर होना, या फिर नींव में पत्थरों की जरूरत पड़ती है, पाषाण की जरूरत पड़ती है, तो नींव फॉर नव, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 9 में किस चीज़ का वर्णन है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 10 की, जिसमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का वर्णन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 129 से लेकर 148 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 को याद करने के लिए कर लेते हैं दास, और यहाँ पर लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि व्यवस्था में शब्द लिखा हुआ है व्यवस्था, ठीक है। लोक व्यवस्था मतलब लोगों को व्यवस्था है, विवश हैं लोग, कौन से लोग विवश हैं, जो कि दास हैं, जाहिर सी बात है जो दास हैं वही विवश होंगे, जो कि स्वतंत्र हैं वो तो विवश होंगे नहीं। तो दास लोग विवश हैं, विवश फॉर व्यवस्था, मतलब लोक व्यवस्था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 10 में किस चीज़ का वर्णन है, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का। आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का वर्णन CRPC के किस अध्याय में है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपके सामने, लेकिन सही जवाब होगा अध्याय 10, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है अध्याय 11, जिसमें वर्णन है पुलिस का निवारक कार्य का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 149 से लेकर 153 तक। तो यहाँ पर देखिए पुलिस का निवारक कार्य की बात हो रही है, यानी ऐसा समझिए कि पुलिस कोई भी केस हो गया है तो उससे निवारण करवा रही है, मतलब बचा रही है। तो ज़्यादातर देखने को तो ऐसा मिलता नहीं है कि पुलिस बचाए, पुलिस की कोशिश यही रहती है कि जब तक फंसा हुआ है तो फंसा रहे, है ना। तो अगर पुलिस किसी का निवारण कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ दोस्ती है उसकी, ठीक है। मतलब कोई अगर दोस्त है तभी बचाएगा, बाकी बचाने वाला नहीं है। दोस्त मतलब यारा, यारा फॉर 11 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अध्याय 11 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस के निवारक कार्य का। इसमें धाराएं कितनी आती हैं, तो 149 से लेकर 153 तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 12 की, जिसमें पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों का वर्णन है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 154 से लेकर 176 तक। तो यहां पर देखिए 12 शब्द लिखा हुआ है और एक शब्द लिखा हुआ है पुलिस को इत्तला।
इत्तिला का मतलब क्या होता है? होता है सूचना देना, या फिर ऐसा समझिए कि इत्तिला का मतलब होता है के बारे में सूचना देना, किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना। तो 12 4 12 आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 12 में किस चीज़ का वर्णन है? पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों का, ठीक है। इत्तिला का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना, तो 12 4 12, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 13 की, जिसमें वर्णन है जांचों और विवरणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता का। तो यहाँ पर देखिए दंड न्यायालय की बात हो रही है और जांचों और विवरणों की बात हो रही है। तो जांच और विवरण जब करते हैं, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए CBI की रेड पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं वो जाँच करने के लिए, या फिर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ जाए तो जाँच करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको भी तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ना फॉर तेरा, तोरा तेरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 13 में किस चीज का वर्णन है? जांचों और विवरणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता का, ठीक है। और इसमें धाराएं कितनी आती हैं? तो 177 से लेकर 189 तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 14 की, जिसमें वर्णन है कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 190 से लेकर 199 तक। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, यानी ये शर्तें हैं कि कार्यवाही शुरू की जा सके, कहाँ? कोर्ट में। तो आपको पता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है? एक तो जज साहब की ज़रूरत है, ठीक है। जज साहब जो कि हेड ही हैं, वो नहीं होंगे तो कोई मतलब की कार्यवाही तो होगी नहीं, तो जज साहब सबसे पहले चाहिए। तो एक तो जज साहब चाहिए, ठीक है, और 4 लोग और चाहिए। कौन कौन से? एक तो वादी चाहिए, दूसरा प्रतिवादी चाहिए, और एक वादी का वकील और दूसरा प्रतिवादी का वकील, ठीक है। मतलब आरोपी का वकील और जो आरोप जिसने लगाया है उसका वकील, साथ ही साथ आरोपी और जिसने आरोप लगाया है वो। तो इतने लोग तो कम से कम होने चाहिए, एक जज साहब और 4 लोग और, तो 1 और 4 मतलब 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 14 में किस चीज का वर्णन है? कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 15 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों से परिवाद का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 200 से लेकर 203 तक। तो यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेटों में शब्द लिखा हुआ है टेटो, ठीक है, मतलब टैटो की बात हो रही है, टैटू की बात हो रही है, और परिवाद में परी शब्द, मतलब परी का टैटू बनवाना है। तो जाहिर सी बात है टैटू जो बनाते हैं उनके हाथ में पेन जैसा रहता है ना, जिससे टैटू बनाया जाता है वो पेन जैसा ही होता है। तो पेन फॉर पेनेद्रा मतलब 15। तो आप ऐसे याद रखिएगा पेन से ड्रा करते हैं, तो पेन और ड्रा फॉर 15। तो आसानी से याद हो जाएगा कि अध्याय 15 में किस चीज़ का वर्णन है? मजिस्ट्रेटों से परिवाद का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 16 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की बात हो, तो कार्यवाही प्रारंभ कब की जाएगी? जब सुलह नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे भी केस होते हैं ना जिससे बाहर ही सुलह हो जाती है, मतलब मजिस्ट्रेट के पास तक नहीं पहुँचना पड़ता। तो बाहर अगर सुलह नहीं होता है तब उसको कहाँ पहुँचना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने। मतलब कार्यवाही तब प्रारंभ होगी मजिस्ट्रेट के सामने जब बाहर सुलह नहीं हो पाएगा। तो सुलह फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 16 में किस चीज का वर्णन है? मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 17 की, जिसमें वर्णन है आरोप का, ठीक है। तो अध्याय 17 में शब्द लिखा हुआ है शत्रु, सत्रह शत्रु, और आरोप की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आरोप लगाने वाला शत्रु ही तो हो जाता है ना, जो आरोप लगाता है वो शत्रु हो जाता है, या फिर शत्रु ही आरोप लगाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 17 में किस चीज़ का वर्णन है? आरोप का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 18 की, जिसमें वर्णन है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का। और इसमें धारा आती है 225 से लेकर 237 तक। तो सेशन में शब्द लिखा हुआ है सन, सन मतलब होता है पुत्र, तो एक तरफ पुत्र लिखा हुआ है, उसका अपोजिट क्या होता है? पुत्री मतलब बेटी, बेटी फॉर बेटीन मतलब 18, ठीक है। तो 18 से आपको याद आ जाएगा कि धारा 18 में किस चीज का वर्णन है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 19 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, ठीक है। वारंट मामलों के विचारण की बात हो रही है, तो वारंट में एक शब्द लिखा हुआ वॉ रट, मतलब रटने की बात हो रही है। ऐसा समझिए कि ये टॉपिक है, इसको रटने की बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति रट रहा है। अब रटेगा तो जाहिर सी बात है नॉइस होगी, रटने में शोर तो होता ही है ना, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो शोर होगा, नॉइस होगा, नॉइस फॉर ओनाइस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 19 में किस चीज़ का वर्णन है? मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण का। दूसरा तरीका है वारंट को याद करने के लिए, कर लेते हैं करंट। अब करंट लगता है तो मुंह से आवाज़ निकलती है ना, तो आप ऐसे भी चाहें तो याद रख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 20 की। इसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण। ठीक है, इससे पहले वारंट मामलों के विचारण की बात हो रही थी, अब समन मामलों के विचारण की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए समन को याद करने के लिए कर लेते हैं सम्मान, ठीक है, और 20 याद करने के लिए कर लेते हैं टू आंटी, यानी दो आंटियों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आंटी हैं तो उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो सम्मान फॉर समन आपको याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों के विचारण की बात किस अध्याय में की गई है, अध्याय 20 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 21 की, जिसमें वर्णन है संक्षिप्त विचारण का। तो चारण में शब्द लिखा हुआ है, चारण मतलब चरने की बात हो रही है, तो आपको पता है जो चारा होता है, जो घास होती है, उसको चरते कौन है, जानवर चरते हैं, जैसे काऊ हो गई, भैंस हो गई, ये सब। तो यहां पर देखिए 21 में शब्द लिखा हुआ है एक काइस, ठीक है, यानी एक काउस, काउ शब्द आपको मिल जाएगा, तो काउ चारे का चारण करती है, ठीक है, मतलब चरती है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा। और दूसरा तरीका भी है कि एक क्वाइस में शब्द लिखा हुआ है एक खाइस, ठीक है, यानी ये खाई, खाते ही हैं, ठीक है, जो काऊ हैं या फिर कोई भी है जानवर जो है वो चारे को खाते हैं, मतलब चरण करते हैं, तो एक खाइस फॉर 21, तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और इसमें जो धाराएँ आती हैं वो आती हैं 260 से लेकर 265 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 21 ए की, जिसमें वर्णन है सौदा अभिवाक का, और धाराएं आती हैं वो हैं 265 ए से लेकर 265 एल तक। तो यहाँ पर देखिए सौदा में 100 शब्द लिखा हुआ है, 100 मतलब क्या होता है, शपथ वाले 100 की बात हो रही है ना, 100 सौगंध, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए 21 में शब्द लिखा हुआ है एक ईस, तो आपको पता है लोग भगवान की भी कसम खाते हैं, ईस की भी कसम खाते हैं, है ना, मतलब ईस की 100 खाते हैं, तो ईस फॉर 21 और 100 फॉर सौदा। और अभिभावक जो है आ का ए से स्टार्ट होगा, तो 21 ए, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 21 ए में किस चीज़ का वर्णन है, सौदा अभिभाग का। इसमें धाराएँ कितनी आती हैं, तो आती हैं 265 ए से लेकर 265 एल तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 22 की, इसमें वर्णन है कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों के हाजिरी की। तो यहाँ पर कारागार से याद करते हैं इसको, तो कारागार में कारा शब्द लिखा हुआ है, कारा मतलब काले होने की बात, और कारा का अगर एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो किससे देते हैं, भैंस से, है ना, तो भैंस फॉर 22, 22 भाईस, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 22 में किस चीज़ का वर्णन है, कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी का। और इसमें धारा आती है 266 से लेकर 271 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 23 की, जिसमें वर्णन है जांचों व विचारणों में साक्ष्य का। और इसमें जो धारा आती है वो आती है 272 से लेकर 299 तक। ठीक है, इससे पहले जांच और विचारण की बात एक और पॉइंट में हुई थी, वो था अध्याय 13, जिसमें हम लोगों ने बात किया था जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता का, तो वहाँ भी जाँच और विचारण की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने याद किया था कि जब अधिकारिता में अधिकारी शब्द लिखा हुआ है ना, तो जब अधिकारी लोग जाँच के लिए आते हैं, जैसे मान लीजिए CBI की रेट पड़ी, तो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो तोड़ फोड़ तोड़ा यानी 13, यहाँ भी हम लोग तोड़ फोड़ से ही याद करेंगे, तो ऐसा समझिए कि अधिकारी लोग गए तोड़ फोड़ की, तो तोड़ फोड़ 13 हो गया था, अब अधिकारी लोग जो हैं वो तोड़ फोड़ क्यों करते हैं, जिससे कि कोई ना कोई सबूत मिले यानी साक्ष्य मिले, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो तोड़ आइस, यहाँ पर देखिए शब्द हम लोग 23 में ढूंढ लेते हैं, तोड़ आइस, 23 तोड़ आइस, ठीक है, तो तोड़ आए किसके लिए, किससे कि साक्ष्य उनको मिल सके। ठीक है, पहले तोड़ने गए थे, तोड़े इसलिए जिससे कि उनको साक्ष्य मिल सके, अर्थात जांच की जिससे कि साक्ष्य मिल जाए, तो तोड़ के आगे जब उनको साक्ष्य मिल गया, तो तोड़ आइस फॉर 23, और साक्ष्य मिल गया अब उनको जांच करने से, तो जांच व विचारणों में साक्ष्य। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 23 में किस चीज़ का वर्णन है, जांचों व विचारणों में साक्ष्य का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 24 की, इसमें वर्णन है जांचों व विचारणों के बारे में साधारण उपबंध का। तो इसको याद करना आसान है, उपबंध में बंध शब्द यानी बंध शब्द लिखा हुआ है, और जांच की बात फिर से हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी मतलब कमरा है वो बंद है, और वहाँ पे जांच करनी है, तो जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे कि उसकी चाबी चाहिए, है ना, कमरे की चाबी लेंगे लॉक जो है उसको खोलने के लिए, फिर जांच करेंगे, तो चाबी फॉर 24, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 24 में किस चीज़ का वर्णन है, जांचों व विचारणों के बारे में साधारण उपबंध का। ठीक है, और इसमें धारा आती है 300 से लेकर 327 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 25 की, इसमें वर्णन है विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध का, और इसमें धारा आती है 328 से लेकर 339 तक। तो यहाँ पर विकृत चित्र मतलब पागल व्यक्ति या फिर नशे में है जो व्यक्ति, उसकी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है विकृत चित्र मतलब पागल, पागल टाइप कैसे याद करने के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 25 में शब्द लिखा हुआ है पक्षी,
आपको पता है पक्षी जिधर चाहे उधर घूमते रहते हैं, मतलब मनमौजी टाइप के होते हैं। तो मनमौजी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा यही बोला जाता है कि ये थोड़े से पागल हैं, ठीक है, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति हैं। कैसे, जो पक्षी की तरह मनमौजी हैं। तो पक्षी फॉर 25, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 25 में किस चीज़ का वर्णन है, विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 26 की, जिसमें वर्णन है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध का, और इसमें धारा आती है 340 से लेकर 352 तक। तो यहाँ पर देखिए न्याय की बात हो रही है, और क्या लिखा हुआ है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो ऐसा समझिए कि कहीं भी कोई न्याय होने वाला है जिसमें लोग प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे कि न्याय ना हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति प्रभाव डाल रहा है कि न्याय ना हो पाए, उसकी छवि खराब हो जाएगी, है ना। जो न्याय के विपक्ष में होगा तो उसकी छवि खराब होगी, छवि फॉर 26। तो आप ऐसे याद रखिएगा, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध किस अध्याय में है, अध्याय 26 में। इसके बाद है अध्याय 27, जिसमें वर्णन है निर्णय का, और इसमें धारा आती है 353 से लेकर 365 तक। तो यहाँ पर देखिए निर्णय की बात हो रही है, और आपको पता है निर्णय वही व्यक्ति लेते हैं जिसके हाथ में सत्ता हो। जैसे कि घर की बात करें तो जो, मतलब कि यह समझिए कि जो मालिक होता है, जो हेड होता है, वही निर्णय लेते हैं। देश में भी निर्णय वही ले पाता है जिसके हाथ में सत्ता हो। तो सत्ता फॉर 27, ठीक है। तो 27 सत्ता, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 27 में किस चीज़ का वर्णन है, निर्णय का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 28 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने का, और इसमें धारा आती है 366 से लेकर 371 तक। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, मतलब मृत्यु से संबंधित जो दंड है उसकी पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने की बात हो रही है। और 28 में दो शब्द लिखे हुए हैं, 2 और 8। तो ऐसे समझिए कि अगर किसी को मृत्यु दंड दी गई है, उसकी पुष्टि के लिए उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु का सोच के वो व्यक्ति अंदर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। जो मृत्युदंड अगर किसी को दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में सोच के अंदर से टूट जाएगा। तो टूटने में शब्द लिखा हुआ है 2 और 8, तो टूट, 2 8, 2 8 मतलब 28। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 28 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 29 की, इसमें वर्णन है अपील का, और इसमें धाराएँ आती हैं 372 से लेकर 394 तक। तो बहुत ही आसानी से याद करेंगे, ये समझिए फनी तरीका है, ये बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर 29 में दो शब्द लिखे हुए, 2 और 9, 2 और 9 शब्द लिखा हुआ है ना, दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा दोना। दोना से फुल्की वाले दोने की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग फुल्की खाते हैं, ठीक है, उस दोने यानी पत्तल की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग फुल्की खाने के बाद क्या करते हैं, कि उसका जो पानी होता है खट्टा पानी, उसको भी पीते हैं। तो बोलते हैं ना कि ये पानी पीऊँगा, तो क्या करते हैं उसको दोने में डलवाते हैं। तो दोना फॉर 2 और 9, अब पानी पी लिया, तो पी लिया फॉर अपील, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 29 में किस चीज़ का वर्णन है, अपील का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 30 की, इसमें वर्णन है निर्देश व पुनरीक्षण का, ठीक है, पुनर्निरीक्षण। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो धाराएँ आती हैं वो आती हैं 395 से लेकर 405 तक। तो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निर्देश या फिर पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है। तो आपको पता है निर्देश या फिर पुनर्निरीक्षण, निर्देश मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, या फिर पुनर्निरीक्षण की अगर बात करें तो दोनों के बारे में कौन व्यक्ति बोल सकते हैं, जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, है ना, जिसके हाथ में अथॉरिटी होगी वही बोलेगा। बाकी जो नीचे काम कर रहे हैं वो तो बोलेंगे नहीं कि पुनर्निरीक्षण करो या फिर निर्देश देंगे, वो ऐसा नहीं है। तो जिसके हाथ में अथॉरिटी है वही ऐसा करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा अथॉरिटी फॉर 30। तो आपको याद आ जाएगा कि अध्याय 30 में किस चीज़ का वर्णन है, निर्देश व पुनर्निरीक्षण का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 31 की, इसमें वर्णन है आपराधिक मामलों के अंतरण का, और इसमें जो धाराएं हैं वो आती हैं 406 से लेकर 412 तक। तो यहाँ पर देखिए 31 में शब्द लिखा हुआ है 1T, और यहाँ पर आपराधिक मामलों के अंतरण की बात हो रही है। अंतरण मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए जैसे एक शब्द है धर्मांतरण, मतलब धर्म का बदलाव कर लेना, एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाना, धर्मांतरण होता है। वही शब्द अंतरण शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतरण मतलब क्या होता है, बदलाव। ऐसा समझिए कि कोई भी केस एक न्यायालय में है, तो एक जज जो कर रहा है वो दूसरे न्यायालय में उस केस को भेज रहा है, ठीक है। तो ये अंतरण हो गया। तो यहाँ पर देखिए 31 में शब्द लिखा हुआ है 1T, यानी ऐसा समझिए कि एक जो बंदा है, एक जो जज साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, टी पी रहे हैं, ठीक है, टी पी रहे हैं, तो मतलब फ्री नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, उस केस को दूसरे न्यायालय में भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका अंतरण कर रहे हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 31 में किस चीज़ का वर्णन है, आपराधिक मामलों के अंतरण का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 32 की, जिसमें वर्णन है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार व लघुकरण, और इसमें धाराएं आती हैं 413 से लेकर 435 तक। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है जो दंड दिए गए हैं उसको कम करने की या फिर समाप्त करने की, इन सब चीज़ों की, ठीक है। लघुकरण मतलब क्या होता है, कम करना। और इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 28 याद किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मृत्युदंड की पुष्टि के लिए व्यक्ति को बुलाया गया है तो उसका मन क्या होता है, अंदर से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दी गई है, अब उस मृत्युदंड को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि बोल रहे हैं कि मृत्युदंड का कम कर देंगे और कुछ सजा दे देंगे कि इतने वर्ष ये जेल में रहेगा, लेकिन मृत्युदंड नहीं देंगे। तो ये कह सकते हैं ना कि उसके व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं जीने की एक आस जग जाएगी, मतलब जीने की एक रोशनी कहीं ना कहीं से जगमगाएगी उसके मन के अंदर। रोशनी मतलब बत्ती की बात हो रही है, बत्ती फॉर बत्ती सबको याद आ जाएगा, ठीक है। दीपक में जो बत्ती होती है उसको बत्ती भी बोलते हैं ना, तो बत्ती फॉर 32। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 32 में किस चीज़ का वर्णन है, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार व लघुकरण का, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर मृत्युदंड दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जीने की एक आस, एक उम्मीद, या फिर ऐसा कहिए कि मन में एक रोशनी सी जग जाएगी कि अब वो कुछ कर सकता है या फिर जी सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 33 की, जिसमें वर्णन है बेल और बंद पत्रों के बारे में, उपबंध का। बेल मतलब जमानत की बात हो रही है, और इसमें धाराएं आती हैं 436 से लेकर 450 तक। तो यहाँ पर बेल की बात हो रही है, तो बेल को याद करने के लिए कर लेते हैं बिल। बिल आपको पता है अगर बिल बजाएंगे तो कैसे बजेगी, ट्रिंग ट्रिंग। तो यहाँ पर ट्रिंग ट्रिंग से आपको 3-3 याद आ जाएगा, ठीक है, या कि टिंग टिंग से आपको 3-3 याद आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा आपकी 3-3 = 33। तो अध्याय 33 में किस चीज़ का वर्णन है, बेल और बंद पत्रों के बारे में, उपबंध का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 34 की, इसमें वर्णन है संपत्ति के बयान का, ठीक है। तो यहाँ पर संपत्ति को याद करने के लिए कर लेते हैं संपत्ति, ठीक है, मतलब संपत्ति की बात कर लेते हैं। और 34 में शब्द लिखा हुआ है चोट, ठीक है, मतलब चोट की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग संपत्ति दिखाने आ जाएंगे। तो संपत्ति फॉर संपत्ति मतलब संपत्ति का बयान, और चोट फॉर 34, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 34 में किस चीज का वर्णन है, संपत्ति के बयान का, ठीक है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 451 से लेकर 459 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 35 की, इसमें वर्णन है अनियमित कार्यवाहियों का, और इसमें धाराएं आती हैं 460 से लेकर 466 तक। तो यहाँ पर देखिए अनियमित कार्यवाही में शब्द लिखा हुआ है अनियमित कार्य, नियमित मतलब रेगुलर, अनियमित की बात हो रही है, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट। तो यहाँ पर अनियमित कार्य की जब बात हो रही है, और 35 में देखिए शब्द दो लिखे हुए हैं, 3 और 5। तो आपने एक शब्द सुना होगा कि 3-5 करना, सुना हुआ है शब्द ना आपने, 3-5 करना, मतलब ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि हमेशा धोखा देता रहता है लोगों को, तो बोलते हैं ना कि उसका काम ही है 3-5 करना, ठीक है। तो यहाँ पर 3-5 की बात हो रही है, तो अगर कोई बंदा 3-5 करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कार्य है वो नियमित रूप से नहीं चलेगा। एक ही बार हो पाएगा कि एक व्यक्ति को धोखा दे पाए, दोबारा तो दे नहीं पाएगा। तो जो 3-5 करने का काम होता है वो अनियमित कार्य की तरह होता है, नियमित कार्य नहीं होता, क्योंकि ये रेगुलर नहीं चलने वाला। तो याद रखिएगा अध्याय 35 में किस चीज़ का वर्णन है, अनियमित कार्यवाही का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 36 की, जिसमें वर्णन है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा का, ठीक है। और इसमें धारा आती है 467 से लेकर 473 तक। तो यहाँ पर देखिए परिसीमा शब्द लिखा हुआ है, सीमा आपको पता है, सीमा मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति है अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो उसको क्षति यानी नुकसान पहुँचने वाला है, ठीक है, मतलब बाउंड्री से बाहर जाएगा। ऐसे समझे कि जो आतंकवादी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, भारत की बाउंड्री में आते हैं, तो जाहिर सी बात है मारे जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई सीमा से बाहर जाएगा तो मारा जाएगा, तो यानी क्षति पहुँचेगी उसको, क्षति फॉर 36। तो आप ऐसे याद रखिएगा अध्याय 36 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा का, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट है कौन सा, अध्याय 37, क्योंकि आपको पता है कि अध्याय 37 तक ही है। तो अध्याय 37 में वर्णन है प्रकीर्ण का, और इसमें जो धारा आती है वो आती है 474 से लेकर 484 तक। तो यहाँ पर देखिए प्रकीर्ण में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है कीर्ण, याद करने के लिए कर लेते हैं कर्ण। कर्ण आपको पता है कि सारथी के पुत्र थे, है ना, जो कर्ण थे वो सारथी के पुत्र थे, मतलब वो रथ चलाते थे, उनके पुत्र थे। तो सारथी फॉर 37। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 37 में किस चीज़ का वर्णन है, प्रकीर्ण का,
ठीक है, तो इस तरीके से अपना सीआरपीसी के सभी अध्याय कंप्लीट हुए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से हम लोग सीआरपीसी की धाराओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, आपको कौन सा पसंद आता है वो कमेंट करके बताइएगा, उसके आधार पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है, जैसे कि आपके सामने मैंने लिस्ट खोली है, तो हम लोगों ने अभी अध्याय को याद किया। मैंने आपको बताया कि अध्याय एक में प्रारंभिक की बात की गई है, मतलब नाम, विस्तार, परिभाषाएँ, इन सब की बात की गई है, और उसमें धारा आता है 1 से लेकर 5 तक। दूसरे की बात मैंने की थी कि अध्याय 2 में दंड न्यायालय तथा कार्यालयों के गठन की बात है, और उसमें धाराएं आती हैं 6 से लेकर 25A तक। ऐसे ही 3 को मैंने आपको बताया था कि अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति का वर्णन है, और उसमें धारा आती है 26 से लेकर 35 तक। ऐसे ही सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सा सबसे पहला तरीका यही है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि किसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की धाराएँ आती हैं। जैसे कि न्यायालय की शक्ति की अगर बात करें तो 26 से लेकर 35 तक ये धाराएँ आएंगी। तो जब भी न्यायालय की शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन कौन सा क्लियर करोगे, 26 से 35 के बीच वाला। ठीक है, कभी भी ऑप्शन लगातार एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा समझिए कि लगभग 90% क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जो कि दूर दूर के ऑप्शन दिखाते हैं, ना कि लगातार के ऑप्शन। तो एक तो तरीका ये है जिसके माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं सीआरपीसी की धाराओं को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाला तरीके से मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो ये मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, जैसे कि समझिए अध्याय एक जो है 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, और दूसरा अध्याय शुरू होता है 6 से। तो 1 और 6 को मैं दोनों को इकट्ठा कर दूंगा तो 16 हो जाएगा। उसके बाद अगला अध्याय देखिए जो 3 है वो 26 से शुरू होगा, और उसके बाद 36 से शुरू होगा अध्याय 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंक, 16, 26 और 36। ठीक है, ये याद हो जाएगा आसानी से। अब 16 में 1 अलग है, 6 अलग है, मतलब 1 जो है 1 से 5 तक अध्याय 1 की बात, 6 से 26 अगला आएगा, तो 26 के पहले मतलब 25 तक आ जाएगा अध्याय 2 में। फिर मैंने 36 बताया तो 36 से पहले तक मतलब 26 से 35 तक आ जाएगा अध्याय 3 में। तो ऐसे अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये वाला तरीका भी है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो इस पर मैं ट्रिक बना दूंगा जिससे कि आपको ये नंबर भी याद आ जाए कि किस अध्याय में कौन कौन सी धाराएँ हैं या फिर कहाँ से कहाँ तक की धाराएँ हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करें कोरिलेशन मेथड से, लेकिन मैं आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करवा पाऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा मैं तो 20 से 25 ही याद करवा पाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है नंबर को कोरिलेट करना। तो अगर आप बोलोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ ही याद करवा पाऊंगा, ज़्यादा याद नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।